ये 8th क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 क्यूब एंड क्यूब रूट्स। मैं पहले आपको बता देता हूँ कि चैप्टर 6 के अंदर हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद आपको ये चैप्टर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा। चैप्टर नंबर 6 का नाम था आपका स्क्वेयर एंड स्क्वेयर रूट्स, किसी भी नंबर का स्क्वेयर निकालना, और फिर हमने पढ़ा था क्या उस नंबर का स्क्वेयर रूट निकालना। स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट के बारे में मैं बिल्कुल डिटेल के अंदर आपको बता चुका हूँ। जैसे मान लो 1 का स्क्वेयर करते हैं, स्क्वेयर का मतलब क्या होता है, एक नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करना आपस में, यानी कि 1 आएगा। 2 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर का क्या मतलब क्या होता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी कि 4 आएगा। 3 का स्क्वेयर मतलब क्या होता था, 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आता था, 9 आता था। ऐसे ही 4 का स्क्वेयर आपको पता है, 4 4 जा कितना होता है, 16। 5 का स्क्वेयर क्या होता है, 5 5 जा 25। ये क्या होते थे, स्क्वेयर होते थे। और फिर हमने सीखा था कि ये जो नंबर है 1 4 9 16 25, ये जो नंबर आते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स। इनका क्या नाम होता है, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर, क्योंकि जो चैप्टर नंबर 6 के अंदर काम हमने किया था ना, वही सारा सेम टू सेम काम हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में। ये इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर। और इनका दूसरा नाम क्या होता है, सिर्फ स्क्वेयर नंबर, इनको हम क्या बोलते हैं, स्क्वेयर नंबर्स बोलते हैं, या तो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर बोलेंगे या क्या बोलेंगे इनको, स्क्वेयर नंबर, दोनों का एक ही मतलब है। ये तो थे स्क्वेयर निकालने। फिर हमने क्या निकाले थे, स्क्वेयर रूट निकालना सीखा था, किसी भी नंबर का क्या निकालना सीखा हमने, स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट ऑफ ए नंबर। स्क्वेयर रूट का मेथड मैंने आपको दो मेथड बताए हुए हैं, कौन कौन से, एक हमने सीखा था प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा मेथड हमने क्या सीखा था, डिवीजन मेथड। मैंने आपको बहुत डिटेल के अंदर ये दोनों मेथड करवाए हुए हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन से किसी नंबर का स्क्वेयर रूट कैसे निकालते हैं और डिवीजन मेथड से कैसे निकालते हैं। तो ये मैंने एक रिव्यू दिया आपको चैप्टर 6 का कि वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था। अब चैप्टर 7 के अंदर देखो, हम पढ़ने वाले हैं क्यूब एंड क्यूब रूट। चैप्टर का नाम क्या है, क्यूब एंड क्यूब रूट्स। पहली एक्सरसाइज के अंदर हम निकालना सीखेंगे किसी नंबर का क्यूब और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, कैसे कैसे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी नंबर का क्यूब रूट हम कैसे निकालते हैं। जैसे क्यूब, क्यूब का मतलब जैसे स्क्वेयर हम किसी नंबर का क्या कैसे निकालते हैं, उसी नंबर को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं। क्यूब हम कैसे निकालेंगे, उसी नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे इसको हम ऐसे पढ़ते हैं, 1 की पावर यहाँ पे 2 नहीं करेंगे, कितनी करेंगे, 3 करेंगे। स्क्वेयर के अंदर क्या करते हैं, 1 की पावर 2, यहाँ पे कितनी पावर करेंगे, 3। इसको पढ़ते हैं 1 क्यूब, 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू 1, यानी कि 1 आंसर आएगा। 2 का अगर हम क्यूब करेंगे क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हम अब की बार एक नंबर को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार, सेम नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 3 का क्यूब करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3, देखो इसमें मिस्टेक मत करना, 3 3 जा कितना होता है, 9, और 9 3 जा कितना होता है, 27। ये हो गया। 4 का क्यूब कितना होगा फिर, 4 इंटू 4 इंटू 4, यानी कि 4 को 3 बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 4 4 जा कितना होता है, 16, और 16 4 जा कितना होता है, 64। फिर हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब, 5 का क्यूब क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5, यानी कि 5 5 जा कितना होता है, 25, और 25 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 125। फिर 6 का क्यूब, 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ये कितना आएगा, 216 आ जाएगा। फिर 7 का क्यूब आप करोगे, 7 इंटू 7 इंटू 7, देखो 7 7 जा कितना होता है, 49, 49 को 7 से करोगे तो आपका कितना आएगा, 343। फिर 8 का क्यूब, 8 का क्यूब क्या हो गया, 8 इंटू 8 इंटू 8, मल्टीप्लाई कर लेना 3 बार, कितना आएगा, 512 आ जाएगा। फिर हम करेंगे 9 का क्यूब, 9 इंटू 9 इंटू 9, यानी कि 729। और फिर हम करेंगे 10 का क्यूब, वो कितना आएगा, 1000। फिर हम करेंगे 11 का क्यूब, 11 का क्यूब का मतलब क्या होता है, 11 इंटू 11 इंटू 11, 11 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हो तो आता है 121, और फिर 11 से और करोगे तो आएगा 1331। फिर हम करेंगे 12 का क्यूब, 12 इंटू 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर आपको पता ही है कितना होता है, 144, और इसको 12 से और मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 1728। जैसे मैंने आपको ये बताए थे कि 25 या 26 तक अगर आपको स्क्वायर याद होंगे ना, तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो जाता है। इसी तरह से मैं कहता हूँ 12 तक आपको किसी भी नंबर के क्यूब याद होने चाहिए,
कोई भी आपसे पूछे कि 9 का क्यूब बताओ, तो आपको पता होना चाहिए 9 का क्यूब कितना होता है, 729। ठीक है, तो ये 12 तक मैंने आपको लिख दी है क्यूब, ये आपको लर्न करने हैं, क्योंकि लर्न जब होंगे ना क्वेश्चन सोल्व करने आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। ये तो क्या थे हमारे, क्यूब थे। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यूब नंबर्स कौन से होते हैं। अब हम सीखते हैं क्या क्यूब नंबर्स, क्यूब नंबर्स कह लो इनको, या इनको कह लो परफेक्ट क्यूब नंबर्स, एक ही बात होती है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर के अंदर यहाँ से 100% आपका एक क्वेश्चन आए ही आएगा एक नंबर का। देखो क्यूब नंबर या परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होते हैं, मैं लास्ट पेज पे आपको दोबारा लेके चलता हूँ। ये हमने सभी नंबर्स के क्या निकाले थे, क्यूब निकाले। 1 का क्यूब कितना आया, 1, 2 का क्यूब कितना आया था, 8, 3 का क्यूब कितना आया, 27, फिर 4 का क्यूब ये आया है ना, 5 का क्यूब ये आया। जो मैं ये रेड पेन से बॉक्स के अंदर बंद कर रहा हूँ ना जिन नंबर्स को, इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, या फिर सिर्फ कह लो आप क्यूब नंबर्स। तो देखो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कौन कौन से नंबर, बताओ 1 का क्यूब क्या होता है, 1, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, ऐसे ही 7 का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर 9 का क्यूब। ये दो तीन बार आप लिखोगे ना आपको याद हो जाएंगे, ये 10 का, ये 11 का और ये 12 का, ये होते हैं, और बाकी भी होंगे 13 का क्यूब, 14 का क्यूब। इनको हम क्या बोलते हैं, क्यूब नंबर्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, दीज आर कोल्ड, दीज आर कोल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर्स, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो आपको आज के बाद ध्यान रखना है कि अगर आपको मान लो कोई पूछ ले कि क्या 600 परफेक्ट क्यूब नंबर है, मैंने आपको क्या बताया कि 12 तक नंबर जो होते हैं ना उनके आप क्यूब याद कर लो, जो मैंने ऊपर ये लाइन लिखी है। अगर आपको क्यूब याद होंगे ना आपको तुरंत पता लग जाएगा कि 600 जो है ना इस टेबल के अंदर कहीं नहीं है। देखो कहीं नहीं है, 512 के बाद सीधा क्या आ गया, 729, इनके बीच में आता है ना 600, लेकिन वो तो है ही नहीं। इसका मतलब हम क्या कहेंगे, इट इज नॉट ए क्यूब नंबर। देखो अगर इनसे बड़े आएंगे ना, 1728 से बड़ा नंबर आ गया और आपको चेक करना हो कि ये क्यूब नंबर है या नहीं, उसका मैं आपको तरीका बताऊंगा, लेकिन कम से कम 12 तक तो आपको याद होने ही होने चाहिए ताकि आप डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर दे सको, इट इज नॉट ए क्यूब नंबर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या बताओ मेरे को, आप मेरे को बताओ 1331 क्या ये क्यूब नंबर है, तो आप तुरंत बता दोगे कि ये तो इस टेबल के अंदर आता है, ये रहा है ना, क्या लिखेंगे, इट इज ए क्यूब नंबर, ये क्या है आपका, क्यूब नंबर है। फिर मैं आपसे कहूँ कि क्या 1132 क्या ये क्यूब नंबर है, आप देखो ऊपर वाली टेबल के अंदर क्या कहीं पे आपको ये नंबर नजर आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए क्यूब नंबर। तो मैंने आपको क्या बताया, इस ऊपर वाली टेबल को याद कर लो, दो तीन बार लिख के देख लो, इसमें जो नंबर है वो तो क्यूब नंबर है, ठीक है, 1728 तक की मैं बात कर रहा हूँ, आगे इससे बड़े नहीं, और इसमें जो नहीं है वो क्यूब नंबर नहीं है। अगर इससे बड़ा आ गया, 1728 से लार्जर नंबर आ गया तो हम सीखेंगे, कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, वो परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं। उसका एक मेथड होता है, वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अगर 1728 तक कोई भी नंबर आ जाए और आपसे कोई पूछ ले ये बताओ परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो आप डायरेक्ट बता देना इस टेबल में अगर होगा तो वो परफेक्ट क्यूब होगा, और नहीं है इस टेबल में तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, ये आपको पता लग गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपको ये टेबल याद नहीं रहती तब आप कैसे पता लगाओगे, हाउ टू चेक whether a number is a perfect cube or not, perfect cube or not। मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, कैसे चेक करें कि कोई नंबर perfect cube है या नहीं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा, मान लो चार ऑप्शन आपको दे दिए, ये पूछेगा बताओ
ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है या इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको उसका तरीका बताता हूँ। इसका तरीका होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और ये बिल्कुल आसान है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, जैसे मैं आपको कहूँ कि 1000 बताओ, 1000 मैं आपको लिखता हूँ, 1000 इट इज ए परफेक्ट क्यूब और नोट। आपको चेक करना है कि ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, और आपको वो टेबल याद नहीं है, ठीक है। टेबल अगर याद नहीं भी होगी तब भी आप चेक कर पाओगे। कैसे चेक करेंगे? देखो, इसके प्राइम फैक्टर बना लो। 1000 के प्राइम फैक्टर आपको सबको बनाने आते हैं। पहले किस पे डिवाइड कर दो, या तो 2 पे या फिर 5 पे। 2 पे कर दो, 500 आ गया। फिर 2 पे कर दो, 250। फिर 2 पे कर दो, 125। फिर 5 पे कर दो, 25। फिर 5 पे कर दो, 20, यानी कि 5। तो 1000 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ? 2 इंटू 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 इंटू 5, ये लिख सकते हैं। अब ये नंबर 1000 जो था उसके हमने प्राइम फैक्टर्स बना लिए। इसके जो प्राइम फैक्टर बने हैं ना, इसमें देखो ये वाले जो फैक्टर हैं ये कितने कितने होने चाहिए? ट्रिपलेट होने चाहिए। ट्रिपलेट का मतलब एक जो फैक्टर है वो 3 बार आना चाहिए। क्या आना चाहिए? कितनी बार आना चाहिए? 3 बार। जैसे स्क्वेयर रूट में कितनी बार आता था? 2 बार। इसमें कितनी बार आना चाहिए? 3 बार आना चाहिए, ठीक है। ये आ गया 3 बार। ऐसे ही आप मेरे को बताओ, 5 है, 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। अगर सारे के सारे फैक्टर तीन तीन बार आ गए तब तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। आप लिखोगे, क्या लिखोगे? हेयर हेयर 2 and 5 बोथ अपियर इन ट्रिपलेट्स। ये किसमें आ रहे हैं? ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब होता है तीन तीन, तीन तीन का यानी कि पेयर नहीं है। पेयर में क्या होते हैं? दो दो मेंबर होते हैं। ट्रिपलेट में क्या होते हैं? तीन मेंबर होते हैं। यहाँ पे 2 भी 3 बार आया है, 5 भी 3 बार आया है, तो इसको लिखते हैं 2 and 5 बोथ अपियर इन ट्रिपलेट्स, सो 1000 इज ए क्यूब नंबर। 1000 क्या है? आपका एक क्यूब नंबर है, या फिर इसको क्या बोलते हैं? एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, ठीक है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कर लोगे आज के बाद आप। एक एग्जांपल मैं आपको और दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ 1728, बताओ ये परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। हमें सिर्फ क्या करना है? चेक करना है। करें चेक। आप इसके क्या करो, प्राइम फैक्टराइजेशन बनाओ अपनी अपनी नोटबुक के अंदर खुद से, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन आपको खुद से बनाना आएगा ना, तभी ये चैप्टर आपको समझ आएगा। प्राइम फैक्टराइजेशन आप खुद बना के देखो एक बार। ये नंबर हम लिखते हैं 1728, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। चाहे आप इसको 2 से डिवाइड कर लो स्टार्टिंग में, चाहे आप इसको 3 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। आप 2 से डिवाइड करोगे, मान लो 2 8 जा, 2 6 जा, और फिर ये कितना आ जाएगा आपका? 2 4 जा। फिर 2 पे करोगे, 43, ये आ गया आपका, है ना। फिर 2 से करोगे, 216। फिर आप 2 से करोगे, 108। फिर 2 से करोगे, 54। 2 से करोगे, 27। अब 3 से करना पड़ेगा, 39 जा, और 3 से करोगे कितना आएगा? 3। अब आप मेरे को बताओ 7728 को आप क्या लिखते हो? 2 कितनी बार है इसमें? 6 बार है, ये हो गया। और 3 कितनी बार है? 3 बार है। अब आप देखो हर एक फैक्टर जो है ना उसको ट्रिपलेट में बनाना है। इस 2 का देखो ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, और ये भी ट्रिपलेट बन गया। तीनों ट्रिपलेट के अंदर आ गए, सो हम क्या लिखेंगे? सो 1728 इज ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये क्या है आपका? परफेक्ट क्यूब नंबर है। परफेक्ट क्यूब नंबर कह लो, या फिर ये कह लो कि ये एक क्यूब नंबर है। दूसरी लैंग्वेज में हम क्या कह सकते हैं? 1728 इज ए क्यूब नंबर। एक ही बात है, परफेक्ट क्यूब नंबर या फिर क्यूब नंबर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि किसी भी नंबर को चेक करना हो कि वो क्यूब नंबर है या फिर नहीं है, कैसे चेक करेंगे? अब मैं एक और एग्जाम्पल आपको देता हूँ। एक एग्जाम्पल मैं लेता हूँ किसका, मान लो 1200 का। हमें चेक करना है कि क्या 1200 एक क्यूब नंबर है या फिर नहीं है। तो देखिए 1200 के बारे में, 1200 के क्या कर लो, फैक्टर बना लो। पहले 2 पे डिवाइड करो, 600। फिर 2 से करो, 300। फिर 2 पे करो, 150। फिर 2 पे करो, 75। फिर 3 पे करो, 25।
और फिर 5 पे करो 5। मेरे को तो लग रहा है कि सारे के सारे जो फैक्टर है ना वो ट्रिपलेट में नहीं है, क्योंकि 1200 को आप क्या लिखोगे, देखो दो कितनी बार आया है, चार बार आ गया, फिर 3 है, फिर 5 है और फिर 5 है। अब देखो सारे के सारे फैक्टर ट्रिपलेट में होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ये तो एक ट्रिपलेट बन रहा है, बाकी ना तो 5 का कोई ट्रिपलेट बन रहा, ना इस 2 का कोई ट्रिपलेट बन रहा, ना इस 3 का कोई ट्रिपलेट बन रहा। तो हम क्या लिखेंगे, 1200 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब नंबर। ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। परफेक्ट क्यूब नंबर कब होगा, जब हम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स निकाले सारे के सारे, और सभी फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनने चाहिए, सभी के, कोई भी अकेला नहीं बचना चाहिए। तो यहाँ पे तो ये 2 भी अकेला बच गया, ये 3 भी अकेला बच गया, ये 5 भी ट्रिपलेट में नहीं है, ये भी पेयर है सिर्फ, ठीक है। लेकिन आने कितने चाहिए, 3 नंबर आने चाहिए एक जैसे, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो आज के बाद आपको ये परेशानी नहीं आएगी कि किसी नंबर को चेक करना हो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है तो कैसे चेक करें। बहुत आसान मेथड है। कौन सा मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। ये हो गया आपका पहला कॉन्सेप्ट। अब लिख लो इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट नंबर 2। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कि अगर हम एक इवन नंबर का क्यूब करते हैं या फिर हम एक ओड नंबर का क्यूब करते हैं तो वो कैसे आते हैं। जैसे हमें पता है कि इवन नंबर का स्क्वेयर हमेशा क्या होता है, इवन, और ओड नंबर का स्क्वेयर हमेशा क्या होता है, ओड। तो हम क्या लिखेंगे, पहले कॉन्सेप्ट नंबर 2 में लिखो आप, क्यूब ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, इज ऑलवेज इवन, एंड एंड क्यूब ऑफ एन ओड नंबर, क्यूब ऑफ एन ओड नंबर इज ऑलवेज ओड। जैसे स्क्वेयर में होता था ना, वैसे ही क्यूब के अंदर है। इवन नंबर का आप क्यूब करोगे तो हमेशा इवन आंसर आएगा, ओड नंबर का आप क्यूब करोगे तो हमेशा आंसर आपका ओड आएगा, ठीक है। देखो वन का क्यूब आप बता दो मेरे को क्या होता है, वन का क्यूब वन होता है, मैं ओड की बात कर रहा हूँ। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 5 का क्यूब कितना होता है बताओ, 125। 7 का क्यूब कितना होता है, 343। 9 का क्यूब कितना होता है आपका, 729। और 11 का क्यूब आपका कितना होता है, 1331। ये होते हैं, मैंने आपको बताया था 12 तक तो याद करने हैं आपको, ठीक है। फिर आप बताओ मेरे को 2 का क्यूब कितना होता है, 8। 4 का क्यूब कितना होता है, 64। 6 का क्यूब आपका कितना होता है, 216। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। और बात करें अगर 12 के क्यूब की तो कितना होता है, 1728। आप ये बताओ मेरे को, ये सारे के सारे नंबर 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये नंबर क्या है बताओ, ओड है ना, यानी कि हमने ओड नंबर का क्यूब किया। और ये जो आंसर आए हैं ये वाले, ये बताना मेरे को क्या ये सारे के सारे नंबर ओड नहीं है, ये वाले नंबर, ये सारे के सारे क्या है, ओड है। अब इसी तरह से सेकंड वाली लाइन में देखो, ये सारे नंबर क्या है आपके, इवन है, ये नंबर क्या है आपके, इवन है। और ये जो आंसर आए हैं ये भी क्या है, सारे के सारे आपके इवन है, ये भी क्या है आपके इवन नंबर से। जस्ट ए मिनट, तो मैंने आपको ये बताया कि अगर एक इवन नंबर का आप क्यूब करोगे तो उसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इवन, और एक ओड नंबर का क्यूब अगर आप करोगे तो आंसर हमेशा क्या आएगा आपका, ओड आएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ आपसे पूछी जाएगी कि इवन नंबर का क्यूब कैसे होता है, हमेशा क्या होगा, इवन, ओड नंबर का क्यूब हमेशा क्या होगा, ओड होगा। मैंने एग्जाम्पल देके ये बात प्रूव कर दी, ठीक है। ये हो गया कॉन्सेप्ट नंबर 3, लिख लो कॉन्सेप्ट नंबर 3 के अंदर ये है। कॉन्सेप्ट नंबर 3, आपसे पेपर में एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, यूनिट डिजिट। जो चीजें आपने स्क्वेयर रूट के अंदर और स्क्वेयर में सीखी थी ना, वही सेम चीज है, ठीक है। वहां पे भी आपने सीखा था कि किसी नंबर का अगर आप स्क्वेयर करते हो तो उसका यूनिट डिजिट कितना होगा। यहाँ पे भी आपसे पूछा जाएगा, यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ए नंबर, कि एक नंबर का हमने क्यूब किया और उसका अगर हमें यूनिट डिजिट पता करना हो कि क्या आएगा तो क्या आएगा। देखो पहले मैं बताता हूँ आपको, वन, वन का क्यूब आपको सबको पता है कितना होता है, वन होता है। टू का क्यूब आपको पता है कितना होता है, एट।
थ्री का क्यूब कितना होता है 27, फोर का क्यूब कितना होता है आपका 64, फाइव का क्यूब कितना होगा देखो 125, सिक्स का क्यूब कितना होता है 216, सेवन का क्यूब कितना होता है 343, एट का क्यूब कितना होता है 512, नाइन का क्यूब आपका होगा 729, और नाइन का हो गया आपका 729, और टेन का क्यूब आपका कितना होगा 1000, इलेवन का क्यूब कितना होगा आपका 1331, ट्वेल्व का क्यूब कितना होता है आपका 1728। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कितना भी बड़ा नंबर आ जाए, कितना भी बड़ा नंबर, और आपसे ये पूछ ले कि जब हम उसका क्यूब करेंगे उसका यूनिट डिजिट क्या होगा, देखो लास्ट में अगर वन आएगा तो उसका क्यूब का यूनिट डिजिट क्या आएगा, हमेशा वन। यहाँ पे भी देख लो लास्ट में कितना है वन, तो यहाँ पे भी कितना आएगा वन। अगर लास्ट में टू आ गया तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ही कितना होगा, एट होगा। देख लो उसके क्यूब का, देखो यहाँ पे भी टू आ रहा है ट्वेल्व में, तो यूनिट डिजिट कितना है क्यूब में, एट है। टू का अगर हम क्यूब करेंगे तो वो हमेशा ही एट आएगा, ठीक है। थ्री में देख लो, थ्री में कितना आ रहा है आपका, यहाँ थ्री है तो यहाँ हमेशा ही क्या आएगा, सेवन आएगा। फोर में हमेशा सेम, फोर में फोर, फाइव में फाइव, सिक्स में सिक्स, क्या आएगा आपका, सेम आएगा। फोर में फोर, फाइव में फाइव, सिक्स में सिक्स, और एट में, और देखो यहाँ पे देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर यहाँ पे टू है तो क्यूब करने के बाद यूनिट डिजिट क्या आएगा उसका, एट आएगा, और अगर यहाँ पे एट है तो क्यूब करने के बाद क्या आएगा आपका, टू आएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा। इसी तरह से आप देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको और बताता हूँ, यहाँ पे टू है तो लास्ट में क्या आया, एट, और एट का क्या आएगा, टू आएगा। सेवन है तो लास्ट में क्या आएगा आपका, थ्री, और थ्री है तो लास्ट में क्या आएगा आपका, सेवन। देखो सेवन और थ्री आपस में क्या है, एक दूसरे के उल्टे हैं, यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में सेवन है उसका हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, क्यूब का थ्री आएगा, और थ्री है तो क्या आएगा, सेवन। तो यानी कि टू और एट आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे, यानी कि टू है तो लास्ट में एट, एट है तो लास्ट में कितना आएगा, टू, और थ्री और सेवन आपस में क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। याद रखना आसान है, लेकिन मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कोई भी नंबर पूछ ले आपसे। फिर फोर, फाइव, सिक्स, वन और जीरो, अगर ये आ जाए किसी नंबर के लास्ट में तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा आपका, सेम होगा। देखो वन के लास्ट में वन होगा, फोर के लास्ट में फोर, फाइव के लास्ट में फाइव, सिक्स के लास्ट में सिक्स, जीरो के लास्ट में कितना होगा, जीरो। तो बस ये तो आसान हो गया, और नाइन के लास्ट में भी क्या होता है आपका, नाइन होता है, क्योंकि देखो नाइन को तीन बार आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो ये कितना होता है, 81। यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, वन को नाइन से करोगे कितना आएगा आपका, नाइन, यानी कि यूनिट डिजिट आपका कितना आएगा, नाइन आएगा, ठीक है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमने आज के लेक्चर में सीखे कि किसी नंबर का क्यूब कैसे निकालते हैं, इवन नंबर का क्यूब हमेशा इवन होता है, ऑड नंबर का क्यूब हमेशा ऑड होता है, ठीक है। फिर हमने सीखे कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कैसा होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके हम और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखेंगे और 7.1 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 2, और फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने क्यूब, क्यूब रूट्स का बेसिक आपको बताया था कि किसी भी नंबर का क्यूब हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि 1 से लेकर 12 तक जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके क्यूब आपको याद होने चाहिए। उनके अगर क्यूब आपको याद होंगे तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन को आप इजिली सोल्व कर पाओगे। देखो फर्स्ट हमारा आज का जो टॉपिक होगा वो होगा, मैं आपको बता देता हूँ, यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ ए नंबर। आपको ये कहा जाएगा कि जैसे मान लो एक नंबर दे दिया जाएगा आपको, 23 दे दिया, मान लो 23 का कहता है क्यूब करो। क्यूब का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि उसको तीन बार क्या करो, मल्टीप्लाई करो, उसी नंबर को तीन बार क्या करो, मल्टीप्लाई। लेकिन आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये बताना है ये जो आंसर आएगा ना, इसके अंदर जो यूनिट डिजिट आएगा, यानी कि जो सबसे लास्ट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है, सबसे लास्ट डिजिट होता है, ठीक है, यूनिट डिजिट कह लो या उसको लास्ट डिजिट कह लो। तो लास्ट वाला डिजिट क्या आएगा आपसे ये पूछा गया है, तो आपको पूरी मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं होती। आप सिर्फ क्या किया करो, इसके जो लास्ट के डिजिट है ना ये वाले, इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया करो। अब मैंने आपको बताया था कि 333 की मल्टीप्लाई करोगे तीन बार तो कितना आता है, 27, और 27 का लास्ट डिजिट कितना होता है बताओ, 7 होता है। तभी मैंने आपको बताया था कि 1 से लेके 12 तक अगर आपको क्यूब याद है ना, तो कोई भी बच्चे को ये मल्टीप्लीकेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि 3 × 3 × 3 क्या होता है, वो जानता है ऑलरेडी कितना होता है, 27, यानी कि इसका जो यूनिट डिजिट है वो कितना आएगा आपका, 7 आएगा।
अब मैं आपको एक बड़ा नंबर देता हूँ, मान लो 418 और इसका क्यूब, और आपको सिर्फ ये बताना है इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगा, यानी कि आपको 418 को 3 बार क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फिर वही बात, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाना, आपको सिर्फ क्या करना है, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है। क्या करना है, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई, यानी कि 8 का क्यूब, और 8 का क्यूब आप सभी बच्चे जानते हो कितना होता है, 512। 512 में जो लास्ट का डिजिट होगा वो कितना होगा, आपका 2 होगा। 2 क्या होगा, इसका लास्ट डिजिट होगा, यानी कि यूनिट डिजिट होगा। और आपसे पेपर में सिर्फ यही पूछा जाता है कि एक नंबर का अगर हम क्यूब करें तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। जैसे आपसे पेपर में ये पूछा जाएगा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 7189, कहता है इस नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा। तो आपको क्या करना है, पता है, ये लास्ट वाला डिजिट देखा करो सिर्फ, आप 9 9 और 9, इन तीनों के आपस में क्या किया करो, मल्टीप्लाई। 9 का क्यूब वैसे आप सब जानते हो कितना होता है, 729, तो लास्ट का डिजिट कितना होएगा बताओ, 9। तो 9 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। और अगर नहीं पता 9 का क्यूब, 9 9 जा कितना होता है, 81। 81 का लास्ट डिजिट कितना होता है, 1। 1 की 9 से फिर मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 9। तो ये देखो वही वाला 9 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप सोच के आसानी से कर सकते हो। तो आज के बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब निकालेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, ये मैंने आपको सारा का सारा बता दिया, ठीक है। अब मैं आपको इसका शॉर्टकट भी बता देता हूँ। देखो आपको ये पता है कि 1 का जब हम क्यूब करते हैं तो आंसर कितना आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो आंसर कितना आता है, 8 आता है। 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर आएगा 27। 4 का क्यूब करेंगे तो आंसर आता है आपका 64। 5 का क्यूब कितना होता है, 125। 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 7 का क्यूब होता है 343। 8 का क्यूब होता है आपका 512। 9 का क्यूब होता है 729। 10 का क्यूब कितना होता है, 1000, यानी कि 10 × 10 × 10। और 11 का क्यूब कितना होता है, 1331। और 12 का क्यूब कितना होता है, 1728। ये आपको सारे के सारे क्यूब याद होने चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो 1 किसी भी नंबर के लास्ट में 1 आएगा, उसको आपको पता है कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो तो लास्ट में कितना आएगा, 1 ही आएगा। ऐसे ही 4, आप 4 को कितनी भी बार, 4 को 3 बार अगर मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में कितना आएगा, देखो 4 आएगा। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे लास्ट में 5 आएगा। 6 को लास्ट में 6 आएगा। फिर 9 को करोगे 9 आएगा। लास्ट में 0 है तो क्या आएगा, 0। यानी कि फर्स्ट 10 तक नंबर्स के आप क्यूब देखो। मैं ये कहता हूँ अगर लास्ट में 1 आया, या लास्ट में 4 आया, लास्ट में 5 आया, लास्ट में 6 आया, लास्ट में 9 आया, या लास्ट में 0 आया, किसी भी नंबर में, ठीक है, तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट सेम ही होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब विल बी सेम। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 दिख जाए आपको, उसका जब आप क्यूब करोगे ना, उसके क्यूब का यूनिट डिजिट भी 1 आएगा। अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 आ जाए तो उसका जब आप क्यूब करोगे तो उसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा, 4 ही आएगा। तो आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो बाकी कितने डिजिट हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए। अब देखो 2 के लास्ट में कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और 8 के लास्ट में देखोगे तो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी कि 8 और 2 ये क्या हो जाएंगे आपस में, इंटरचेंज। इनको क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। यानी कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 8 है और उसका आप क्यूब करोगे तो उस क्यूब का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 2 आएगा, और 2 के लास्ट में कितना आएगा, 8, ठीक है। फिर क्या रहेगा आपका, 3 और 7 रहेगा। अब आप देख लो 3 के लास्ट में कितना आ रहा है, 7, यानी कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7, और यहाँ 7 है, तो यहाँ पे कितना है, 3 है। तो बस ये क्वेश्चन खत्म। 7 और 3 इनको भी आप क्या कर दो, इंटरचेंज कर दो। ये सारी चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, फिर क्वेश्चन को आप फटाफट सोल्व कर पाओगे, ठीक है। तो ये आप जो है ना स्टार लगा के अपनी अपनी नोटबुक में नोट कर लो कि किसी नंबर के लास्ट में क्या आए कि फटाफट हम उसके क्यूब का यूनिट डिजिट बता सके। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ
7895 इच, और ये फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको दे दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये इतना बड़ा नंबर है 7895, इसका आप क्यूब जब करोगे तो उसके क्यूब का यूनिट डिजिट क्या होगा? एक बच्चे ने सोचा कि लास्ट में कितना है, 5 है, और मैंने अभी बताया था अगर लास्ट में 5 आ गया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा आपका, 5 ही आएगा। अब मैं आपसे सेकेंड क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 2। द यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब ऑफ 1383 और मान लो 7 इच, इस नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करो सिर्फ आप, ठीक है? 7 × 7 × 7, 7 7 जा कितना होता है 49, सिर्फ 9 लिखो। 9 7 जा कितना होता है 63, सिर्फ 3 लिखो। आंसर कितना आ गया? 3। या फिर आपको याद हो कि 7 आ गया तो 3 लिखना है और 3 आ गया तो कितना लिखना है, 7 लिखना है। तो ये बस कॉलम जो है ना आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो और ये सारे क्यूब उतार लो। उसके बाद आपका यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन पेपर में छूटेगा नहीं, क्योंकि बहुत आसान होते हैं। जैसे हमने ये सीखा था 7 चैप्टर में, 6 चैप्टर में, कि किसी भी नंबर का जब हम स्क्वेयर करते हैं उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। उसके भी मैंने आपको सारे तरीके बताए थे कि 2 बार मल्टीप्लाई करना है नंबर को, क्यूब में क्या करना है आपको 3 बार मल्टीप्लाई करना है, बस इतना करके देखना है आपको। अब देखो आपका नेक्स्ट टॉपिक, इसमें ये कहता है हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट, यानी कि आपको ये चेक करना है कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। मैं देखो लास्ट पेज पे आपको दोबारा लेके चलता हूँ। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि परफेक्ट क्यूब नंबर कौन से होते हैं। जैसे हमने 1 का क्यूब निकाला, 1 आया, 2 का क्यूब 8, ये 3 का, ये 4 का, 5 का, 6 7 8 9 10, 11 का क्यूब, 12 का क्यूब होते हैं ना। मैं इन्हीं क्यूब्स को क्या लिख रहा हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ, ठीक है? मैं इन्हीं क्यूब्स को आपको दोबारा लिख के दिखाता हूँ एक बार। देखो 1 का क्यूब कितना था, 1, 2 का क्यूब कितना था, 8, 3 का क्यूब लिख रहा हूँ मैं, फिर 4 का क्यूब लिख रहा हूँ, फिर 5 का क्यूब, फिर 6 का क्यूब, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, फिर 9 का क्यूब, फिर 10 का, 11 का, 12 का। वैसे आप कितने भी बड़े नंबर का क्यूब निकाल सकते हो, है ना, लेकिन 12 तक तो आपको क्या याद होने चाहिए, क्यूब याद होने चाहिए। इन सभी नंबर्स को, ये जो नंबर है ना, इन सभी नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब बोलते हैं। दीज नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब नंबर्स। इनको हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट क्यूब नंबर्स, और या तो इनका नाम होता है परफेक्ट क्यूब नंबर, या इनको सिर्फ हम बोलते हैं क्या, क्यूब नंबर्स। या तो इनको बोल दो परफेक्ट क्यूब नंबर्स, या बोल दो इनको सिर्फ परफेक्ट वर्ड हटा दो, क्यूब नंबर्स, एक ही बात होती है, ठीक है? या तो इनको क्या बोलेंगे हम, परफेक्ट क्यूब नंबर्स बोलेंगे, या फिर हम क्या बोलेंगे इनको, सिर्फ क्यूब नंबर्स बोलेंगे। दोनों का एक ही मतलब है। पेपर में ये लिखा जाए कि बताओ कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है, या ये लिखा जाए बताओ कौन सा नंबर एक क्यूब नंबर है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, दोनों का एक ही मतलब है, ठीक है? अब मैं आपको ये बताता हूँ कि नंबर को देख के हम कैसे पता करें कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। पहले मैं आपको परफेक्ट स्क्वेयर के ऊपर लेके चलता हूँ, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स कौन से होते हैं, क्योंकि उसके बाद आपको परफेक्ट क्यूब समझ आएगा। परफेक्ट स्क्वेयर नंबर 6th चैप्टर में मैंने आपको पूरी डिटेल के अंदर समझाया हुआ है कि परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे 1 का स्क्वेयर करते हैं, 1 आता है, 2 का स्क्वेयर कितना होता है, 4, 3 का स्क्वेयर, फिर 4 का स्क्वेयर, फिर 5 का, है ना, फिर 6 का स्क्वेयर, 7 का स्क्वेयर, 8 का स्क्वेयर, 9 का स्क्वेयर, 10 का स्क्वेयर, यही तो होते हैं। इन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं बताओ, ये नंबर क्या होते हैं आपके, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स होते हैं। ये क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स होते हैं। परफेक्ट स्क्वेयर नंबर्स की पहचान मैंने आपको बताई थी, क्या क्या पहचान होती है कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वेयर नहीं है, उसकी क्या पहचान होती है। देखो इफ यूनिट डिजिट इज 2 3 7 8, अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आ जाए, 3 आ जाए, 7 आ जाए, या 8 आ जाए, इफ यूनिट डिजिट इज 2 3 7 8, दीज नंबर्स आर नेवर नेवर परफेक्ट स्क्वेयर्स। मैंने आपको बताया था कि ये नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होते। क्यों नहीं होते, क्योंकि आप किसी भी नंबर का स्क्वेयर करोगे, देखो लास्ट के अंदर कहीं आपको
2, 3, 7, 8 दिखाई दे रहा है क्या? आप कहोगे जी नहीं दिखाई दे रहा। तो किसी भी नंबर के लास्ट में अगर आपको 2, 3, 7, 8 दिखाई दे जाए तो वे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होते। दूसरा रूल मैंने आपको क्या बताया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोज का। क्या बताया हुआ है मैंने, नंबर ऑफ जीरोज का। इफ एनी नंबर हैज 1 0, यानी कि किसी नंबर के लास्ट में 1 0 आए, 3 0 आ जाए, 5 0 आ जाए, या 7, यानी कि ओड नंबर 1, 3, 5, 7 एट इट्स एंड, यानी कि इसकी हिंदी में लिखना चाहो तो हिंदी लिख लो, अगर किसी नंबर के लास्ट में 1 0, 2 0, सॉरी 3 0, 5 0, 7 0 ऐसी 0 आ जाए तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वेयर नहीं होते। दीज आर नेवर परफेक्ट स्क्वेयर्स। ठीक है, ये आपके 6th चैप्टर के मैंने रिवाइज करवाए हैं चीज़ें आपको, कि परफेक्ट स्क्वेयर नंबर कौन से होते हैं, हम कैसे पता करें नंबर को देखते ही कि वो परफेक्ट स्क्वेयर नंबर है या नहीं है। तो उसमें हम कौन से नंबर है ये नहीं पता कर सकते, लेकिन कौन से नंबर नहीं है ये हम तुरंत पता कर सकते हैं, और पेपर के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम तो सीखना चाहते हैं क्या, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। हम सीखना चाहते हैं परफेक्ट क्यूब नंबर्स। नंबर्स कि कोई भी नंबर परफेक्ट क्यूब नंबर है या नहीं है हमारे को कैसे पता लगेगा, यानी कि ब्रैकेट में लिख लो, कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं। ठीक है, ये लाइन लिख लो, और ये लाइन लिखने के बाद अब मैं आपको पीछे वाले पेज पे लेके चलता हूँ, आपको ये सारी चीज़ें नोट करनी है कि कैसे पता करें, हाउ टू चेक वेदर ए नंबर इज ए परफेक्ट क्यूब और नॉट, कैसे चेक करें कि कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं। एक एक पॉइंट तो आप लिख लो इसमें, अगर नंबर के लास्ट में क्या है, 0 है, यानी कि चाहे 1 0 हो, चाहे 2 0 हो, चाहे 3 0 हो, तो हम देख के बता पाएंगे कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं। दूसरे आपके ऐसे नंबर आएंगे जिनके लास्ट में 0 नहीं मिलेगी आपको, अगर नंबर के अंत में 0 ना हो, यानी कि कुछ नंबर्स तो ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 0 आएगी, कुछ नंबर ऐसे होंगे जिनके लास्ट में 0 नहीं आएगी। तो दोनों का मैं अलग अलग आपको रूल बताता हूँ कि कैसे हम चेक कर सकते हैं कि वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। पहला हम करते हैं जिन नंबर्स के लास्ट में 0 है। देखो मैं आपको ये बताता हूँ कि 10 का क्यूब करके देखो, 10 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 10 × 10 × 10 यानी कि 1000 आएगा। अब 20 का क्यूब करके दिखाओ मेरे को, यानी कि 20 × 20 × 20। देखो आप क्या करोगे, 1, 2, 3 3 0 लिख दो, और 2 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 4, और 4 × 2 जा कितना होता है 8, यानी कि 2 का क्यूब कितना होता है 8, ये आ गया। अब 30 का क्यूब करोगे तो कितना आएगा, 30 × 30 × 30, तो यानी कि 3 0 तो आएगी, और 3 का क्यूब कितना होता है आपका 27। मैं कहने का मेरा ये मतलब है कि जब किसी भी नंबर का क्यूब करोगे और उसके लास्ट में क्या है, देखो 1 0 है, तो उसका जब क्यूब करोगे तो कितनी 0 आ जाएगी, 3 0 आएगी, आएगी ना। जब आप किसी नंबर का क्यूब करोगे और उस नंबर के एंड में 0 है, तो उसका क्यूब करने के बाद कितनी 0 आएगी, 3 0 आएगी। अच्छा अब आप कह दो कि सर अगर मान लो किसी नंबर के एंड में 2 0 हो, तो ये लो 100 का क्यूब करना, 100 × 100 × 100 ये आ गई। अब देखो 2 0 2 0 2 0 ये मल्टीप्लाई होके कितनी 0 बनेगी, 6 0 बन जाएगी, और 1 की तो कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो क्या रहेगा आपका, 1 ही रहेगा। अब मैं आपको एक नंबर और लिखता हूँ, 120 का क्यूब, 120 या 1200 कर लो, 1200 का क्यूब। ठीक है, 1200 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 0 कितनी आएगी पीछे देखो, 2 ये 2 ये और 2 ये, 6 0 आ जाएगी, 0 तो आ गई। अब नंबर क्या रहेगा, 12 12 12 और 12, 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 12 की तो कितना आएगा, 1728 ये हो गया। अब आप खुद बताओ मेरे को, ये जो नंबर है, ये जो इनका क्यूब निकल के आया है, इनके लास्ट में कितनी 0 है, बस आप मेरे को ये बता दो, इन 500 नंबर के लास्ट में देखो इनके लास्ट में कितनी कितनी 0 है बताओ, 3 0 है, और इनके लास्ट में कितनी है, 6 0 है,
मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि अगर किसी नंबर के लास्ट में एक जीरो है और हम उसका क्यूब करेंगे, तो इसको 3 गुना कर दो, 1 का 3 गुना 3, यानी कि 3 जीरो आएगी। अगर 2 जीरो है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, लास्ट में कितनी जीरो आएगी, 6 जीरो आएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि किसी भी परफेक्ट क्यूब नंबर में लास्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि 1 जीरो हो या 2 जीरो हो, नहीं, कम से कम कितनी जीरो आनी चाहिए, 3 जीरो, या फिर कितनी आनी चाहिए आपकी, 6 जीरो, यानी कि एटलीस्ट 3 जीरो तो होनी होनी चाहिए परफेक्ट क्यूब नंबर्स में। परफेक्ट क्यूब नंबर्स के लास्ट में एटलीस्ट 3 जीरोज तो होना जरूरी है, एटलीस्ट 3 जीरो तो होना जरूरी है। कब? अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरोज है, यानी कि कोई ऐसा नंबर है जिसके लास्ट में जीरो है, तो मैं कहता हूँ कम से कम 3 जीरो तो होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 जीरो है, 2 जीरो है तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। अब हम करते हैं क्या एग्जाम्पल, जैसे मैं ये आपसे क्वेश्चन ही पूछता हूँ, इज 7290 ए परफेक्ट क्यूब? मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है, आप तुरंत आंसर बता देना है इसका, नो। क्यों आपने आंसर बता दिया? क्योंकि इस नंबर के लास्ट में जीरोज है, लेकिन वो कितनी है, 2। अगर जीरो है तो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 3। नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। आप सीधा कह देना कि ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इट हैज 2 जीरोज, इसके पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो वाला नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होता, ठीक है। और एग्जाम्पल देते हैं, ये फर्स्ट एग्जाम्पल था, अब आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओ इस पे। अब मैं आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे रहा हूँ, देखो। सेकेंड एग्जाम्पल नोट करो, मैं लिख रहा हूँ, इच 512 जीरो ए परफेक्ट क्यूब? क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है? क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है? तो आप कहोगे आंसर में क्या लिखोगे, नो। क्यों नहीं है परफेक्ट क्यूब? क्योंकि इसके पीछे जीरो है, लेकिन कितनी जीरो है, 1। अगर जीरो आ गई तो कम से कम कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए, ठीक है। नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी हो। तीसरा एग्जाम्पल मैं आपको लिखता हूं कि इच, मैं एक नंबर आपको दे रहा हूं 8000, या फिर पीछे मैंने ये लिख दिया, इच 18000 ए परफेक्ट क्यूब? क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है? अब यहां पे बच्चा जो है ना गलती करेगा। यहां पे देखो, इसके पीछे कितनी जीरो आ रही है बताओ, 3 जीरो आ रही है। मैंने आपको रूल क्या बताया कि अगर किसी नंबर के पीछे 1 जीरो आ जाए, 2 जीरो आ जाए, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जिन नंबर के पीछे 3 जीरो आ गई, वो नंबर हमेशा परफेक्ट क्यूब होगा, नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, लेकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। आप इन 3 जीरो को भूल जाओ, ठीक है, इन 3 जीरो को आप क्या कर दो, छोड़ दो, 18 की तरफ देखो। आप बताओ क्या 18 कोई नंबर का क्यूब होता है? यानी कि 1 का क्यूब कितना करते हो आप बताओ मेरे को, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो 18 कहाँ गया? 18 तो यहाँ पे रह गया ना कहीं बीच में, 18 तो आया नहीं। 18 किसी भी नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं होता। तो क्या लिखेंगे, नो, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि ये एग्जाम्पल मैंने आपको इसलिए दिया ताकि आप समझ पाओ कि मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको कि 3 जीरो अगर नहीं आई किसी नंबर के पीछे, तो आप डायरेक्ट बोल देना कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन अगर 3 जीरो आ गई, तो फिर आप डायरेक्ट नहीं बोल सकते कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। लेकिन पेपर के अंदर ऐसे क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, आपको कंफ्यूज नहीं किया जाएगा। सीधे सीधे रूल आपसे जानने हैं कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आप बोल देना ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, ठीक है। तो ये तो मैंने क्या बताया आपको कि जिन नंबर के लास्ट में जीरो आती है, तो हम आसानी से चेक कर पाएंगे कि कौन से नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं होते, ठीक है। अब मैं आपको दूसरा रूल बताता हूँ, जिन नंबर के लास्ट में जीरो नहीं आती। देखो क्या लिखा हुआ है मैंने, इफ द नंबर डज नॉट हैव
जीरोज एट दी एंड, यानी कि अगर किसी नंबर के एंड में जीरो है ही नहीं, ठीक है। जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया 1728। अब ये बताओ, क्या मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपसे, इज दिस ए परफेक्ट क्यूब, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है? इसके पीछे बताओ आप पहले तो जीरो है या नहीं, आप अपने आप से बोला करो नहीं है, ठीक है, जीरो नहीं है। तो हमने अभी तक रूल कौन सा सीखा है, अगर किसी नंबर के लास्ट में जीरो है तो कैसे चेक करें, लेकिन इसके पीछे तो जीरो है ही नहीं, तो फिर हम कैसे चेक करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। इसका एक ही मेथड है सिर्फ, मेथड टू चेक, यानी कि चेक करने का कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, उस मेथड को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। नोट कर लो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये इकट्ठा ही है पूरा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन एक ही वर्ड है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सिर्फ और सिर्फ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम चेक करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, यानी कि इसके हम क्या बनाएंगे, प्राइम फैक्टर बनाएंगे। तो बनाओ प्राइम फैक्टर, 1728, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा, फिर 2 से करेंगे 432, फिर 2 से करेंगे 216, फिर 2 से करेंगे, जब तक 2 से होता है करते जाओ, 27, फिर 3 पे जाएगा ये, 3 3 जा 9, और फिर 3 पे जाएगा ये, तो यानी कि 1728 के फैक्टर, 2 कितनी बार है देखो, 6 बार है, लिख दो इसको, 2 को लिखो 6 बार, ये लिख दिया। 3 कितनी बार है, 3 बार है, 1 2 3। अब मैंने ये तो बता दिया कि हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से चेक करेंगे कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, हमने प्राइम फैक्टर तो बना लिए प्राइम फैक्टर, लेकिन इसके बाद हम कैसे पता करें कि अब ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। अब उसका तरीका सुन लो ध्यान से, इसके जितने भी फैक्टर बने हैं, ये फैक्टर बने हैं ना, ये वाले यहाँ से लेके यहाँ तक, इनके सभी फैक्टर ट्रिपलेट में होने चाहिए, क्या होने चाहिए, ट्रिपलेट के अंदर, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर एक जैसे तीन मेंबर होने चाहिए। देखो ये टू, ये टू और ये टू, इन तीनों का एक ग्रुप बना दो, बन गया एक ग्रुप। सेम नंबर कितने होने चाहिए ग्रुप में, 3 बार होने चाहिए, ये भी 3 बार है, ये भी ग्रुप में आ गए। अब लास्ट वाले का देखना, ये भी 3 बार है, अगर सारे के सारे नंबर तीन तीन के ग्रुप में हैं तब वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, पक्का होगा, ठीक है। क्या होगा देखो, ये भी ट्रिपलेट है, ये क्या है बताओ, ट्रिपलेट है, ये भी क्या है, ट्रिपलेट है आपका, और ये भी क्या है आपका, ट्रिपलेट है, यानी कि कोई भी नंबर जो होगा ना वो एक जैसे कम से कम 3 नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि 2 हो गया एक हो गया, कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, ट्रिपलेट बन रहा है। सो हम लिखेंगे 1728 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये क्या होता है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता है। और देखो हमने अभी तो किया था कि 1728 किसका क्यूब होता है बताओ, 12 का होता है ना, तो वैसे आप डायरेक्ट भी बता सकते थे अगर एक नंबर में क्वेश्चन आ गया, लेकिन अगर मान लो 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया, 2 में आ गया, यानी कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया, पेपर में आपको सोल्व करके दिखाना है, तो फिर आप क्या करोगे, इसके फैक्टर्स बनाओगे, और जितने भी फैक्टर बनेंगे वो किस में लाई करने चाहिए, आपके ट्रिपलेट में लाई करने चाहिए, तभी वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ, अब मैं आपसे पूछता हूँ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इच, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, 1024 ए परफेक्ट क्यूब, क्या ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, मैं सिर्फ आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो फिर वो देखो, इसके लास्ट में 0 है क्या, आप कहोगे सर नहीं है जीरो, तो 0 नहीं होती तो फिर कैसे चेक करते हैं कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, कौन सा मेथड होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या कहता है कि हम इसके प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, तो बनाते हैं प्राइम फैक्टर्स, इसके प्राइम फैक्टर बना लो, ठीक है, मैं फटाफट बना रहा हूँ, ये 2 पे जाएगा हर बार, 2 पे जाएगा, तो मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ इसको हर बार, ये 10 बार जाएगा, ये आप काउंट कर लेना, ये 2 जो लिख रखे हैं ना मैंने, ये कितनी बार है, 10 बार है, ठीक है। तो 1024 को हम क्या लिखेंगे बताओ, 2 की मल्टीप्लाई कर दो 10 टाइम्स, वो 1024 ही आएगा आपका, 5 6 7 8
9, 10, ये हो गया। अब आप ये बताओ मेरे को, मैंने क्या बताया था, तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं आपको, क्या करना है, तीन तीन के ग्रुप बनाने हैं, बनाओ। ये बन गया तीन का ग्रुप, ये भी बन गया, ये भी बन गया, लेकिन ये तो अकेला रह गया ना, ये तो तीन का ग्रुप बना ही नहीं पाया। अगर ऐसा कोई भी नंबर जो अकेला रह गया या दो रह गए उस जैसे, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। सो हम लिखेंगे 1024 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब आप समझ गए मेरी बात का मतलब, ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे को इसका एक फैक्टर ऐसा मिल गया जो ट्रिपलेट में नहीं है। ये तो ट्रिपलेट बना रहे हैं नो डाउट, ये भी बना रहे हैं ये भी, लेकिन ये तो नहीं बना रहा ना, तो इसको भी बनाना चाहिए था, नहीं बना रहा, तो इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 में मैं आपसे पूछता हूँ, इज 243 ए परफेक्ट क्यूब? ए परफेक्ट क्यूब, क्या ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब है? तो आप कहोगे हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, क्योंकि बिना मेथड का यूज करें तो हम नहीं बता सकते, तो करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज। 243, ये 3 से डिवाइड होता है, 3 8 जा 3 1 जा, फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से हो रहा है और फिर 3 से होगा, तो 3 कितनी बार है बताओ, 5 बार है ना। तो 243 को क्या लिखो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। अब देखो पेयर ट्रिपलेट बना के देखो, ये तो ट्रिपलेट बन गया, लेकिन क्या ये ट्रिपलेट है? नहीं है। क्या लिख दो, इट इज नॉट ए ट्रिपलेट। तीन तीन मेंबर्स का जो ग्रुप होता है उसको ट्रिपलेट बोलते हैं, ये ट्रिपलेट नहीं है। सो हम लिखेंगे 243 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किसी भी नंबर को अगर ये चेक करना हो कि वो परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है, तो क्या तरीका है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टर बना लो और फिर उसके बाद चेक करो कि क्या सारे के सारे फैक्टर ट्रिपलेट में है या नहीं है। अगर है सारे के सारे फैक्टर ट्रिपलेट में, तब तो वो नंबर परफेक्ट क्यूब होगा, और नहीं है तो फिर वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा। ठीक है, बस एक ही रूल है। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका क्या, खत्म। अब नए क्वेश्चन आते हैं आपके, देखो अब ये क्वेश्चन आएगा आपका पेपर में, ये सिर्फ आप सॉल्यूशन पे ध्यान मत दो, यहां तक क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ो आप, सॉल्यूशन मैं खुद कराऊंगा आपको। ये देखो यहां तक, इससे ऊपर ऊपर वाली स्टेटमेंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो। मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि जैसे हमने देखो 6th चैप्टर में किया था कि मान लो एक नंबर हमारे को मिल गया, उसको किस नंबर से हम मल्टीप्लाई करें कि मल्टीप्लाई होने के बाद जो प्रोडक्ट आएगी वो एक परफेक्ट स्क्वेयर बन जाए, लेकिन यहाँ पे क्या है, परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, 864। नेक्स्ट नेक्स्ट पेज पे हम इसको सोल्व करते हैं। 864, सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करो, प्राइम फैक्टर्स बनाओ इसके, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स बनाओ, उसके बाद हमें पता लगेगा कि हम इसको किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो बनाते हैं 864 के फैक्टर्स, 2 पे जा रहा है, 432, फिर 2 पे जाएगा 216, फिर 2 पे जाएगा 108, फिर 2 पे जाएगा 54, 2 से डिवाइड करोगे 27, 3 से करोगे 9 और 3 से करोगे 3। यानी कि हम 864 को क्या लिख सकते हैं, देखो तीन कितनी बार है, 3 बार है, जो 3 बार है वो तो लिखी दो है ना, दो कितनी बार है, 5 बार है, ये कितनी बार है, 5 बार है। अब देखो ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं, पहले तो ये चेक करो, ये ट्रिपलेट में है, ये ट्रिपलेट में है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है, ये ट्रिपलेट नहीं है, नहीं है तो इसका मतलब 864 परफेक्ट क्यूब तो नहीं है, ये तो बात पक्की होगी, परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो अब आप मेरे को बस ये बता दो कि इस 864 को मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं कि ये नंबर मल्टीप्लाई होने के बाद एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। आप कहोगे सर अगर यहाँ पे एक टू और होता, अगर यहाँ पे एक टू और होता तब ये टू और लिख देते हम यहाँ पे, है ना, टू लिख के, और फिर वो क्या बन जाता, ट्रिपलेट बन जाता ना, फिर वो नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाता। इसका मतलब हमारे को इसको
परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक टू और से करना पड़ेगा, ठीक है। सो हम लिखेंगे सो 864 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय टू। इसको हमारे को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, टू से मल्टीप्लाई करना चाहिए, क्योंकि टू से आप जैसे मल्टीप्लाई करोगे ना, देखो 864 को टू से मल्टीप्लाई करो 1728 आ गया, और 1728 को आप सारे बच्चे जानते हो ये तो किसका क्यूब होता है, 12 का क्यूब होता है ना। इसका मतलब आपका जो आंसर है इस क्वेश्चन का वो कितना आएगा, टू, क्योंकि आपसे पूछा क्या गया था कि इस 864 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, आप कह दो कि हमें इसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन का, टू है। तो बस आपका सीधा सीधा रूल क्या है, आपको फैक्टर बनाने हैं, जो फैक्टर अकेला है या फिर ट्रिपलेट में नहीं है उसको ट्रिपलेट बनाना है। यहाँ पे तो दो बार थे टू, तो हमने एक टू से और मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे अगर मान लो एक नंबर थ्री बच गया, अकेला थ्री है लास्ट में, तो हमें दो बार तीन और लेके आने पड़ेंगे, यानी कि तब हमारा आंसर क्या आएगा बताओ, 3 × 3 यानी कि 9, ठीक है। इस तरह का मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा अभी। देखो अब ये क्वेश्चन पढ़ो, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 40 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अब बस आपको यहां तक पढ़ना है, सॉल्यूशन नहीं पढ़ना, सॉल्यूशन मैं कराऊंगा अभी। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि 40 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ कि वो एक नया नंबर जो आएगा वो क्या बन जाए, परफेक्ट क्यूब बन जाए 40 को। तो आप सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, नंबर क्या है बताओ, 40। सबसे पहले आप लिखा करो बार बार एक ही चीज, सबसे पहले इसके क्या करेंगे हम, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स बनाओ। तो 40 के प्राइम फैक्टर बना लेंगे, 40 पहले 2 पे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपका 20, फिर 2 से डिवाइड करोगे 10, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया आपका 5। तो अब आप क्या लिखो 40 को, 40 इज इक्वल टू 2 कितनी बार है, 3 बार, और 5 क्या है अकेला। अब सबसे पहले तो आप ये बताओ मेरे को, क्या 40 एक परफेक्ट क्यूब नंबर है? आप कहोगे सर ये तो ट्रिपलेट है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है, तो 40 तो परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो मैं कहता हूं आपसे, मैं पूछता हूं कि क्या आप इसको परफेक्ट क्यूब बना सकते हो किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके? एक बच्चे ने दिमाग लगाया कि यहाँ पे 5 अकेला है, अगर इसके साथ 2 5 और आ जाए तो ये भी 3 का ग्रुप बन जाएगा, है ना। तो यानी कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 बार 5 की मल्टीप्लीकेशन यानी कि 25। कहने का मतलब अगर आप इसको 25 से मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। सो हम क्या लिखेंगे, 40 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 25। 40 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, 25 से, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आपका, 25 होगा, ठीक है। कैसे, अब आप सोचोगे कैसे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा ये, मैं कहता हूँ 40 को 25 से मल्टीप्लाई करके देख लो, 1000 आएगा, और 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का क्यूब होता है ना। तो इसका मतलब जो नंबर बनेगा ना 1000, ये क्या बन जाएगा आपका, परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ठीक है, ये हो गया। अब हमने दो क्वेश्चन कर लिए जिसमें मैंने आपको ये बताया कि आपको कैसे पता लगेगा कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। अब हम सीखेंगे डिवाइड वाले क्वेश्चन कि किस नंबर से डिवाइड करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। डिवाइड वाले बिल्कुल आसान होते हैं, आप बताओ अगर मेरे को इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, डिवाइड करना होता, तो जो लास्ट में बच गया ना, अकेला अकेला बच गया या दो बच गए, उससे क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखो क्वेश्चन से समझ आएगा आपको, ये क्वेश्चन पढ़ो, बस आपको यहां तक पढ़ना है, ये स्टेटमेंट आप अपनी नोटबुक में नोट कर लो, यहां तक ऊपर वाली। इस क्वेश्चन में पढ़ो क्या लिख रखा है मैंने, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 250 मस्ट बी डिवाइडेड। अब की बार मैंने मल्टीप्लाई नहीं लिखा, क्या डिवाइड पूछा है, डिवाइड करने के बाद जो नंबर आएगा वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले प्राइम फैक्टर बनाएंगे, नंबर कितना है आपका 250, 250 के पहले क्या करो, प्राइम फैक्टर्स बनाओ, 2 पे डिवाइड करो 125, फिर 5 पे करोगे, फिर 5 पे करोगे, तो 250 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 5 को तो 3 बार लिख दो, और फिर 2 क्या बच गया अकेला। अब बताओ क्या 250 परफेक्ट क्यूब है, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं है, ये तो ट्रिपलेट में आ गया, लेकिन ये नहीं है। जब डिवाइड करना हो ना,
तो जो ट्रिपलेट में नहीं है उसको आप क्या लिख दिया करो, एक्स्ट्रा लिख दिया करो। एक्स्ट्रा का मतलब ये फालतू है, फालतू का मतलब हमें इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि डिवाइड करने का मतलब है कि इस बच्चे को क्लास से बाहर कर दो, है ना। जो भी फालतू है, फालतू कौन होगा, जो ट्रिपलेट में नहीं है वही क्या कहलाएगा, फालतू कहलाएगा, यानी कि इसको क्या कर दो, क्लास से बाहर कर दो। सो आंसर कितना आएगा पता है आपका, आंसर आएगा आपका 2। इसका मतलब ये है कि 250 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, 250 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 2। क्यों, अब आप पूछोगे कि ऐसा क्यों करना पड़ा हमारे को, मैं कहता हूँ 250 को आप 2 से डिवाइड करके देखो, 125 आएगा, और 125 तो 5 का क्या होता है, क्यूब होता है, तो 125 क्या है, ये परफेक्ट क्यूब है ना, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। तो डिवाइड वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान होते हैं। जो ट्रिपलेट में नहीं है, नोट कर लो आप, जो फैक्टर्स ट्रिपलेट नहीं बनाते, ट्रिपलेट नहीं बना रहे, वो एक्स्ट्रा है, वो क्या है, एक्स्ट्रा है, और उन्हीं से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, उन्हीं से डिवाइड करना है, यानी कि एक्स्ट्रा को बाहर करना है, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब आप समझ लो, इजी लैंग्वेज में उसको हमें क्लास से बाहर करना है, चाहिए अकेला बच्चे, चाहे इसके साथ एक और 2 होता, तब दोनों 2 को हम क्या कर देते, बाहर कर देते, ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी नंबर का जब हम क्यूब करेंगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, वो मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको सिखाया कि परफेक्ट क्यूब कोई नंबर है या नहीं है, ये कैसे चेक करेंगे। और फिर मैंने आपको क्या सिखाया कि किसी नंबर को किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें या फिर डिवाइड करें कि नया नंबर आपका परफेक्ट क्यूब बन जाए, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम करेंगे आपकी 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट, और ये चीज़ें आपको समझ आ गई पहले 2 लेक्चर्स की, तो 7.1 एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 का लेक्चर नंबर 3, और इसमें हम 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। पहले दोनों लेक्चर में मैंने आपको 7.1 एक्सरसाइज को करने के लिए जो जो बेसिक कॉन्सेप्ट आपको सीखने थे वो सारे के सारे मैंने आपको सिखा दिए। अब क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगेंगे, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, फाइंड द वंस डिजिट, वंस डिजिट कह लो या यूनिट डिजिट कह लो, एक ही बात है, ठीक है। वंस डिजिट मैं लिख देता हूँ, पेपर में क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इसको वंस डिजिट बोलते हैं या यूनिट डिजिट बोलते हैं या इसको हम क्या बोलते हैं, लास्ट डिजिट बोलते हैं, तीनों का एक ही मतलब है। आपको वंस डिजिट बताना है ऑफ द क्यूब ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, यानी कि ये 8 क्वेश्चन है, इसमें कहता है अगर इन सब का हम क्यूब करेंगे तो बताओ हर एक का यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो पहले मैं आपको बताता हूँ, 3331, मैंने आपको क्या बताया था, सिर्फ लास्ट वाले डिजिट पर फोकस किया करो और उसको 3 बार मल्टीप्लाई करके देख लिया करो कि लास्ट में क्या आएगा, और 1 को तो चाहे कितने भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर क्या आएगा आपका, 1 ही आएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट करते हैं, सेकेंड पार्ट में लास्ट में कितना है, 8 है। मैंने क्या कहा था, 8 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, लेकिन पूरा मल्टीप्लाई करना भी जरूरी नहीं है। 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे लास्ट का डिजिट कितना आएगा, 4, 8 8 जा 64, फिर 4 को 8 से फिर मल्टीप्लाई करोगे, 4 8 जा कितना होता है, 32। ये तो यानी कि वंस डिजिट अपना कितना आएगा, 2 आएगा। बस इस क्वेश्चन का आंसर कितना है अपना, 2 है। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा था कि यहाँ पे 8 हो तो आंसर कितना लिखना है, 2, और 2 हो तो आंसर कितना लिखना है, 8, यानी कि 2 और 8 को आपस में क्या करना है, इंटरचेंज। लेकिन अगर ये ना भी याद रहे आपको तब भी आप क्या कर सकते हो, ऐसे निकाल के देख सकते हो। और 3 को और 7 को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, 3 की जगह 7 और 7 की जगह 3, और बाकी जितने भी डिजिट रहेंगे वो सेम रहेंगे, जैसे 2 आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया और 8 आ गया, उसके अलावा क्या रह गया, 0 1 2 3 आ गया, 4 5 6 7 8 आ गया, 9 और 10, 10 का मतलब 0, ये सारे के सारे क्या रहते हैं आपके, सेम रहते हैं। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हो सबका। अब देखो थर्ड पार्ट में लास्ट में कितना आ रहा है आपका, 9 आ रहा है, ठीक है। 9 क्या रहता है, सेम रहता है ना, क्योंकि 9 को अगर आप 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 9 9 जा कितना होता है, 81, और 81 का यूनिट डिजिट कितना आएगा, 1, फिर 1 को दोबारा 9 से करोगे कितना आएगा, 9, तो आंसर कितना आ गया आपका, 9 आ गया। अब देखो आपका फोर्थ पार्ट, इसमें लास्ट में कितना 5 है, 5 को तो आप कितनी भी बार मल्टीप्लाई करोगे ना, तो लास्ट में कितना आएगा आपका, 5 ही आना है, क्योंकि 5 5 जा 25,
5 5 5 या फिर 25, यानी कि लास्ट का डिजिट कितना आएगा आपका, 5 आएगा। 5 को तो चाहे कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो आंसर हमेशा 5 ही आएगा। फिर आ गया आपका कितना, 4। 4 में भी मैंने आपको बताया था कितनी भी बार मल्टीप्लाई करो लास्ट में, सॉरी 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में कितना आएगा, 4, और अपने को 3 ही बार करना है। 4 4 जा कितना होता है, 16। 16 के लास्ट में कितना आता है, 6 आता है। फिर 6 4 जा कितना होता है, 24। 24 के लास्ट में कितना आता है, 4। तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 4 आ जाएगा। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है, लास्ट में 7 आ गया, तो 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे। 7 7 जा कितना होता है, 49। लास्ट में कितना आया, 9। फिर 9 7 जा कितना होता है, 63। लास्ट में कितना आया, 3। 3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। मैंने बताया था 3 आए तो 7 लिख दो, 7 आए तो कितना लिख दो, 3 लिख दो। लेकिन नहीं भी याद है तो फिर आप इस तरह से निकाल के देख सकते हो इसको। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 आ गया, 2 आ गया तो 2 × 2 × 2 करो, 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो लास्ट का डिजिट इसका कितना आएगा अपना, 8 ही आएगा, क्वेश्चन खत्म। अब इसमें देख लो 3 आ गया, तो 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। तो लास्ट का डिजिट कितना आ गया आपका, 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना है, 7 है, ठीक है। तो ये था आपका एक्सरसाइज, यानी एक्सरसाइज का नहीं है ये, ट्राई दीज का क्वेश्चन है, लेकिन पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपकी बुक से पूछा जा सकता है। अब देखो ये भी ट्राई दीज एक्सरसाइज है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब्स। मैंने आपको बताया था कि ये भी क्वेश्चन पेपर में आपसे पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है। तो मैं 3 4 क्वेश्चन आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 400, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये देखा करो कि नंबर के पीछे जीरो है क्या। आप कहोगे जी बिल्कुल है, जीरो कितनी है, 2। दो जीरो अगर पीछे आ गई ना तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता, क्योंकि कम से कम कितनी जीरो आनी चाहिए, 3। तो हम क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज 2 जीरोज। इसके लास्ट में कितनी है, 2 जीरो है, एट द एंड में 2 जीरो है, इसलिए ये परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। अच्छा अगर मान लो ऐसे नहीं पता लगता तो मैं इसका सेकंड मेथड भी आपको करवा देता हूँ, मेथड नंबर 2, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड तो सभी क्वेश्चंस के लिए सूटेबल है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे इस नंबर के और ये देखेंगे कि हर एक फैक्टर क्या ट्रिपलेट में लाई करता है। तो देखो प्राइम फैक्टर बनाओ, 2 पे करो डिवाइड, 200 आएगा, फिर 2 से करो 100 आएगा, फिर 2 से करो 50 आएगा, फिर 2 से कर दो 25 आएगा, फिर 5 से कर दो 5 आएगा। तो आप बताओ 400 को आप क्या लिखोगे, 2 कितनी बार है, 4 बार है, और 5 कितनी बार है, 2 बार है। आप खुद ही देख लो कि ये सारे के सारे फैक्टर क्या ट्रिपलेट में लाई करते हैं, बिल्कुल नहीं करते। इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, ये तो ट्रिपलेट में आ गया है ना, लेकिन ना तो ये ट्रिपलेट में है ना ये ट्रिपलेट में है, ये क्या है, ट्रिपलेट नहीं है, नोट ट्रिपलेट्स। तो इसका मतलब हम कहेंगे 400 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। तो दोनों ही मेथड है निकालने के। अगर आपको जीरो वाला रूल पता है कि लास्ट में 2 जीरो आ गई तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो वो लिख दो डायरेक्ट, नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, निकाल के दिखाना पड़ेगा। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, इसमें लास्ट में जीरो नहीं है, तो लास्ट में अगर जीरो नहीं है ना फिर आपको निकाल के देखना ही पड़ेगा, 3 3 7 5। चाहे इसको 3 से डिवाइड कर दो, चाहे 5 से कर दो, दोनों से हो रहा है, ठीक है। 3 से कर दे, ये 11, ये 25, फिर 3 से कर दो इसको, 3 3 जा 9, 3 7 जा और 3 5 जा, फिर 3 पे कर दो, फिर 5 पे कर दो। तो अब देख लो आप खुद ही कि 3 3 7 5 को आप क्या लिख सकते हो, 3 कितनी बार है, 3 बार है, और 5 भी कितनी बार है, 3 बार है। तो आप देखो क्या इसके सारे फैक्टर्स ट्रिपलेट में हैं, ये भी ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया। तो हम लिखेंगे सो 3 3 7 5 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये नंबर क्या है, परफेक्ट क्यूब है, बस यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में आपका क्या है, 8000 है। अब मान लो आपको 8000 के बारे में नहीं पता, तो मैं आपको सीधा सीधा तरीका बता देता हूँ। देखो 8000 के पीछे कितनी है, 3 जीरो है, तो ये परफेक्ट क्यूब हो सकता है कब, जब इन 3 जीरो के अलावा ये वाला नंबर परफेक्ट क्यूब हो जाए। और 8 को तो हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 × 2 × 2 लिख सकते हैं। अच्छा अब क्या 2 × 2 × 2 8000 बन जाएगा, आप कहोगे जी बिल्कुल नहीं बनेगा, ये तो 8 बनेगा। तो इनके पीछे 0 0 और लगा दो,
तो ये क्या बन गया 8000। तो यानी कि 8000 के फैक्टर आ गए 20 × 20 × 20, और ये तो क्या है ट्रिपलेट बना दिया ना इसने। सो हम लिखेंगे 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आता तो फिर क्या कर लो, प्राइम फैक्टर्स बना लो इसके 8000 के। ऐसे फैक्टर तो बना ही सकते हो आप, 2 पे डिवाइड करोगे 4000 आएगा, फिर 2 से करोगे 2000 आएगा, फिर 2 से करोगे 1000 आएगा, है ना। इस तरीके से आपको क्या करने हैं, फैक्टर बनाने हैं इसके। ये आएगा आपका कितना 250, फिर 2 से डिवाइड करोगे 125, और फिर 5 से करोगे 25, फिर 5 से करोगे 5। तो यानी कि 8000 को आप क्या लिखोगे, 2 कितनी बार है 6 बार है, और 5 कितनी बार है 3 बार है। तो आप देख लो सारे के सारे फैक्टर किस में लाई करते हैं, ट्रिपलेट में। ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट में है। तो हम क्या कहेंगे, सो 8000 इज ए परफेक्ट क्यूब। तो आपको रटना नहीं है चीज़ों को, आपको पता होना चाहिए किसी भी नंबर में अगर हमें चेक करना हो कि वो परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो उसके क्या बना लो, फैक्टर बना लो, आपको आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, एक दो तो क्वेश्चन और देख लो इसके, सभी का तरीका एक जैसे है। फोर्थ क्वेश्चन देख लो, इसमें है 15625। अब ये इतना बड़ा नंबर है तो हमें नहीं पता ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, तो हम चेक करेंगे फैक्टर बना के। 5 से डिवाइड कर लो, 5 3 जा, फिर 5 1 जा, फिर 1 बच गया, 5 2 जा, और 5 5 जा, फिर 5 से कर दो, 5 6 जा, 5 2 जा, और फिर कितना आएगा 5 5 जा, फिर 5 से करोगे 125, फिर 5 से करोगे इसको आपका कितना आएगा 525 आएगा, फिर 5 आएगा, यानी कि 15625। ये क्या होता है आपका, 5 कितनी बार है 6 बार हो गया ना टोटल, ये कितनी बार हो गया आपका 6 बार हो गया। तो देखो ये भी ट्रिपलेट में आ गया और ये भी ट्रिपलेट में आ गया, ट्रिपलेट बन गए। सो हम लिख देंगे 15625 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये नंबर क्या है, एक परफेक्ट क्यूब नंबर है, आंसर आ गया अपना। अब देख लो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपका क्या है 9000 है। अब ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में 3 0 आ गई, लेकिन 3 0 आने का मतलब ये बिल्कुल मत समझना कि ये परफेक्ट क्यूब है, नहीं। 3 0 को छोड़ दो, इसके अलावा जो नंबर बच गया क्या ये परफेक्ट क्यूब है क्या, आप कहोगे 9 तो परफेक्ट क्यूब नहीं होता, क्योंकि 1 का क्यूब कितना होता है आप मेरे को बताओ, 1 का क्यूब होता है 1, 2 का क्यूब कितना होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होता है 27। तो 9 कहाँ गया, 9 तो है ही नहीं ना, 9 परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो इसलिए ये नंबर भी परफेक्ट क्यूब नहीं हो सकता। क्योंकि देखो इसका ये मतलब होता है, पता है 9 × 1000, और 1000 को तो कोई भी बच्चा 10 × 10 × 10 लिख ही सकता है, लेकिन क्या 9 को आप 3 नंबर की मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिख सकते हो, जैसे 3 × 3 × 3, बिल्कुल नहीं लिख सकते। 9 तो क्या होता है, बस 3 × 3 होता है। तो देखो इसके फैक्टर ये बनेंगे, है ना। अब इसके फैक्टर ये बन गए, तो ये तो ट्रिपलेट में है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है ना, क्या है ये, इट इज नोट ए ट्रिपलेट। अगर ये ट्रिपलेट नहीं है, इसका मतलब हम कह देंगे 9000 इज नोट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। अब देखो आपकी एग्जाम्पल नंबर 2 आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं, इसमें ये कहता है आपको कि क्या 392 एक परफेक्ट क्यूब है, आपसे ये पूछ ले कि कोई भी कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आप देख के नहीं बता सकते। आप क्या करोगे, उसके फैक्टर बना के देखोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने आपको बताया था, प्राइम फैक्टर बना लो, 2 पे डिवाइड करो, 2 1 जा, या 2 19 2 जा कितना होता है 38, और ये 6 पे कट जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करोगे 2 9 जा, और ये कितना आ गया 8, फिर 2 से करोगे तो कितना आ गया 49, 7 से करोगे तो कितना आ गया 7। तो 392 को हम क्या लिख सकते हैं बताओ, 2 कितनी बार है 3 टाइम्स है, और 7 कितनी बार है 2 टाइम्स है। अब आप ये बताओ, ये तो ट्रिपलेट है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है ना, अगर ट्रिपलेट नहीं है तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो क्या आ गया, नो इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अब ये कहता है इफ नोट, यानी कि अगर ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, तब एक कहता है मेरी हेल्प कर दो, आप वो सबसे छोटे से छोटा नेचुरल नंबर बता दो जिससे मैं 392 को मल्टीप्लाई कर दूं, तो वो जो नई प्रोडक्ट आएगी वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो आपको ये देखना है कि अगर ये 2 7 तो है ही, अगर 1 7 और होता तो ये भी ट्रिपलेट बन जाता। इसका मतलब आपको किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 7 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। आंसर कितना आ गया बताओ इस क्वेश्चन का आपका, 7। ये कह रहा है कि किस नंबर से मैं इस
392 को मल्टीप्लाई करूं कि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, मैं कहता हूं 7 से कर दो, क्योंकि 7 से करोगे ना तो यहां पे एक 7 और आ जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा, ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। सो हम लिख देंगे 392 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 7, और ये इस क्वेश्चन का क्या है, अपना आंसर है, इसको 7 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, बस बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अब ये देखो इस क्वेश्चन में कहता है, फिर वही पूछ लिया, क्या ये परफेक्ट क्यूब है, आपसे पूछ लेना तो आप बोल देना कि हम नहीं बता सकते कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन एक नंबर में आ जाता तो मैं तुरंत बता देता, पीछे कितनी जीरो है बताओ, एक जीरो है, और एक जीरो वाला तो परफेक्ट क्यूब कभी भी होता ही नहीं, क्योंकि पीछे कम से कम कितनी जीरो होनी चाहिए, 3। अब ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन ये एक नंबर में नहीं है। अब कहता है अगर नहीं है परफेक्ट क्यूब तो वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे हम इसको डिवाइड कर देना तो जो कोशेंट आएगा वो क्या बन जाए, एक परफेक्ट क्यूब। तो यानी कि अपने को क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर निकालने पड़ेंगे, फैक्टर निकालेंगे तभी तो बताएंगे कि किस नंबर से डिवाइड करें, जो भी एक्स्ट्रा होगा उससे हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करो, 26 पे कटेगा, 26 टू जा, फिर 6 पे कटेगा, फिर 20, फिर 2 पे करो, 13310। अच्छा 1331 किसी को नहीं पता है तो मैंने बताया था 11 का क्यूब होता है, अगर आपको नहीं पता होगा ना तो फिर आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा यानी कि टाइम लगेगा। अब आपको पता है कि 11 से कटेगा ये, 1331 को 11 से डिवाइड करोगे 121 आता है, ठीक है, क्योंकि देखो 1331 क्या होता है, 11 × 11 × 11, और एक 11 से इसको आप डिवाइड कर दोगे तो 2 11 तो बच जाएंगे ना, और 2 11 की मल्टीप्लाई क्या होती है, 121 होती है, 0 बच जाएगा, फिर 11 से करो ये बच जाएगा, फिर 11 से करो ये कितना बच जाएगा, 10, फिर 2 से करो कितना बच जाएगा, 5। तो बस अब आप इसको क्या है लिख लो, 53240, ये क्या आ गया आपका 2 × 2। अच्छा 2 कितनी बार है, देखो 1 2 3, 3 बार है ना, तो लिख दो, फिर कितना है आपका 11 × 11 × 11, और अकेला क्या बच गया, 5। अब आप खुद सोचो ये ट्रिपलेट में है, ये भी ट्रिपलेट है, लेकिन ये तो ट्रिपलेट नहीं है ना, ये ट्रिपलेट नहीं है, अगर ट्रिपलेट नहीं है तो हम कह देंगे सो 53240 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब तो नहीं है। तो ये जो अकेला बच गया, मैंने क्या कहा था आपको, ये क्या होता है, एक्स्ट्रा होता है, ये फालतू होता है, एक्स्ट्रा का मतलब क्या है, ये फालतू है, इस बच्चे को क्लास से बाहर कर दो, क्योंकि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो हम लिखेंगे आंसर कितना आ गया आपका, 5। जो भी ट्रिपलेट में नहीं है इसका मतलब वो क्या है, एक्स्ट्रा, और एक्स्ट्रा नंबर से क्या कर देते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। सो हम लिख देंगे 53240 मस्ट बी डिवाइडेड बाय 5, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है, इस नंबर को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो जो नया नंबर आएगा वो एक परफेक्ट क्यूब नंबर हो जाएगा। अब देखो फोर्थ एग्जाम्पल, फिर पूछ लिया कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, तो हम कहेंगे हमें डायरेक्ट तो नहीं पता कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं, तो हम क्यूब रूट निकाल इसका फैक्टर बना के देख लेते हैं, 2 पे काटेंगे, 2 5 जा 10, 2 9 जा और 2 4 जा, फिर 2 पे काटो, 29 2 जा, 2 7 जा, फिर कितने पे कटेगा ये, 3 पे कटेगा, 3 9 जा और 3 9 जा, फिर 3 पे काटो इसको, फिर 3 पे काटोगे 11, तो यानी कि 1 1 8 को आप क्या लिख सकते हो, 2 × 2 3 × 3 × 3 × 11। कहता है वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जिससे क्या करें, हम डिवाइड करें, तो डिवाइड में तो बहुत आसान होता है, देखो ये ट्रिपलेट है, ये तो ट्रिपलेट में है ना, तो ये ट्रिपलेट है और ना ये ट्रिपलेट है, ये भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा कहलाएगा, और ये भी क्या कहलाएगा, एक्स्ट्रा कहलाएगा। तो अपना आंसर पता है क्या आ गया, सीधा सीधा एक्स्ट्रा को बाहर निकाल दो, क्यों, क्योंकि अपने को डिवाइड करना है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, सीधा सीधा एक ही समझ लो कि एक्स्ट्रा को बाहर कर दो, बस जो नंबर एक्स्ट्रा है ना ट्रिपलेट में नहीं है उनको बाहर कर दो, एक 2 भी एक्स्ट्रा है, ये 2 भी एक्स्ट्रा है, ये 11 भी एक्स्ट्रा है, तो 4 × 11 यानी कि 44 से अपने को इस नंबर को डिवाइड करना पड़ेगा, बात खत्म, बस आंसर आ गया अपना। अब देखो फिफ्थ एग्जाम्पल, इसमें फिर पूछ लिया कि क्या ये परफेक्ट क्यूब है, अगर मेरे को एक नंबर में कोई पूछ लेगा तो मैं कह दूंगा ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके पीछे कितनी जीरो है, 2, और 2 जीरो वाला परफेक्ट क्यूब कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है 100% है, लेकिन फिर अपने से पूछेगा कि वो स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे इसको मैं क्या करूँ, मल्टीप्लाई करूँ, तो फिर अपने को क्या करना पड़ेगा, सोल्व तो करना पड़ेगा ना,
क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन थोड़े, ये तो 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन बन गया, अपने को फैक्टर बनाने पड़ेंगे। फैक्टर बनाने के बाद ही हम ये बोल सकते हैं कि ये अकेला नंबर है, ठीक है। अब 2 से डिवाइड करो, फिर आप किससे करोगे, देखो। अब आपको अगर 7 का क्यूब याद हो ना, 7 का क्यूब जिस बच्चे को याद है तो वो पता है उसको कितना होता है, 343। इससे याद होने से क्या होता है, आपका क्वेश्चन छोटा हो जाता है, या फिर आप 2 से कर लो, 2 से भी हो जाएगा ये डिवाइड, ये आ जाएगा। फिर 2 से कर लो, 2 8 जा 2 5 जा, और ये कितना आएगा, 75। अब क्या कर दो, इसको 5 से कर दो, 5 से करोगे, फिर 5 से करो, 5 3 जा, और कितने बच गए आपके, 2 5 4 जा, 1 बच गया, 5 3 जा। अब 7 से करना पड़ेगा, है ना, 7 से करोगे, फिर 7 से करोगे तो ये आ गया आपका 6 8 6 00 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो 2 कितनी बार है, 3 बार है, जो 3 3 बार है ना उसको पहले लिख दो, ये भी 3 बार है, 7 भी, 7 को भी 3 बार लिख दो, लेकिन 5 कितनी बार है, 2 बार है, 5 कितनी बार है, 2 बार है। अब देखो ये ट्रिपलेट हो गया, ये भी बन गया, ये नहीं है, लेकिन आपको अब की बार डिवाइड नहीं करना। अगर डिवाइड करना होता तो मैं 5 × 5 यानी कि 25 से डिवाइड कर देता, लेकिन अब अपने को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, एक नया मेंबर और लेके आओ क्लास के अंदर, अगर 1 5 और होता तो ये क्या बन जाता, ट्रिपलेट बन जाता, तो आंसर कितना आ गया आपका बताओ, 5। हम लिख देंगे, सो 6 8 6 00 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 5। इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जो आंसर आएगा वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन खत्म अपना। अब आते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन, एक्सरसाइज स्टार्ट होती है यहाँ से 7.1। अब ये एक्सरसाइज सारी आप खुद कर सकते हो, आपको बताना है कि इनमें से कौन से परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो देखो फर्स्ट पार्ट 216 तो सब बच्चे जानते हो, 6 का क्यूब होता है, तो क्या लिखेंगे बताओ, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। मैंने बताया था छोटे छोटे नंबर आपको याद होने चाहिए, जरूरी है, ठीक है। फिर सेकंड पार्ट 128 चेक करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड करो 64, 2 से डिवाइड करोगे 32, 2 से डिवाइड करो, 2 से होता जाएगा ये, ठीक है, ये 2 से डिवाइड लगातार होगा लास्ट तक, तो 2 कितनी बार आ रहा है, देखो 7 बार आ गया है ना, 2 आ गया आपका कितनी बार, 7 बार, तो 7 बार आ गया तो ट्रिपलेट तो नहीं बनेंगे, क्योंकि एक जो 2 है ना वो क्या बच जाएगा आपका, एक्स्ट्रा बच जाएगा। देखो ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी ट्रिपलेट बन गया, लेकिन ये क्या है, ट्रिपलेट नहीं है, तो हम लिख देंगे 128 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट में 1000 तो सबको पता है किसका क्यूब होता है, 10 का होता है ना, तो ये क्या हो गया, परफेक्ट क्यूब है, इट इज ए परफेक्ट क्यूब, ये परफेक्ट क्यूब नहीं, ये परफेक्ट क्यूब है, सॉरी। फोर्थ क्वेश्चन देखो, 100 परफेक्ट क्यूब नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके पीछे कितनी जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो वाला नहीं होता, क्या लिखेंगे, इट इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब, ये नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इट हैज 2 जीरोज एट द एंड, एंड में कितनी जीरो है, 2, इसलिए परफेक्ट क्यूब नहीं है। लेकिन अगर मान लो किसी बच्चे को ये मेथड नहीं पता, तो फिर मैं इसका दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। दूसरा मेथड कौन सा होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उससे तो आप पता कर ही सकते हो 100% कि कौन सा नंबर परफेक्ट क्यूब है और कौन सा नहीं है, ठीक है। तो बनाओ अपने आप, इसके फैक्टर बना लो आप किसके, 100 के, 2 से डिवाइड करोगे 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, 25, फिर 5 से करोगे कितना आ गया, 5, तो 100 में क्या आ गया, 2 बार तो 2 आ गया और 2 बार ही 5 आ गया। अब बताओ कि क्या सारे फैक्टर ट्रिपलेट बना रहे हैं, ना तो ये ट्रिपलेट बना रहा ना ये ट्रिपलेट बना रहा, ठीक है, तो क्या लिख देंगे, सो 100 इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ कि एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप उसके प्राइम फैक्टराइजेशन बना के देख लो, और आसानी से फिर पता लग जाएगा आपको कि वो नंबर परफेक्ट क्यूब है या फिर नहीं है। जैसे ये आ गया 5th क्वेश्चन, आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन इसको भी हम बता देंगे आसानी से, डिवाइड करो इसको, 2 से डिवाइड होएगा, 2 2 जा, ये 3, ये 3 और ये 8। अब फिर 2 से करो, 11 6 6 और ये 4, फिर 2 से डिवाइड करो, 2 5 जा 10, 2 8 जा और ये 32 आ जाएगा, फिर 2 से करो, 29 16, फिर 2 से करोगे, 14 2 जा, 2 5 जा और 2 8 जा, फिर 2 से करो, 7 2 9, और 7 2 9 आपको सबको पता है कि 9 का क्यूब होता है, तो 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप इसको 3 से डिवाइड करो, सीधा 9 से कर दो,
नाइन से करोगे 81, और फिर अपने को तो है ना तीन नंबर होने चाहिए सेम जो ट्रिपलेट बनाए, बस चाहे आप किसी से डिवाइड कर दो, बड़े नंबर से भी आप डिवाइड कर सकते हो। तो देखो 2 × 2 × 2, फिर क्या बच गया 2 × 2 × 2, और 9 भी कितनी बार आ गया आपका, 3 बार आ गया। तो देखो सारे के सारे फैक्टर जो है ना वो ट्रिपलेट के अंदर है, ये भी है, ये भी है, और ये भी है। तो हम क्या लिख देंगे, सो 46656 इज ए परफेक्ट क्यूब। ये क्या है, एक परफेक्ट क्यूब है, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया खत्म। सेकंड क्वेश्चन देखो, आपको वो स्मॉलेस्ट नंबर बताना है जिससे हम इनको मल्टीप्लाई करें कि वो परफेक्ट क्यूब बन जाए। तो देखो हमने किए थे बहुत सारे क्वेश्चन, 5 पार्ट है ये, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक ही मेथड है इसको सोल्व करने का, क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मल्टीप्लाई करना है तो मतलब कि जो अकेला बचेगा हम उसको ट्रिपलेट बनाएंगे। तो क्या करें, 243 के फैक्टर बनाएं, 3 पे डिवाइड करोगे 81 आएगा, फिर 3 से करोगे 27, फिर 3 से करोगे 9, फिर 3 से करोगे 3, यानी कि 243 को आप क्या लिख दो, 3 × 3 × 3 × 3 × 3। आप मेरे को ये बताओ कि ट्रिपलेट में ये तो बन रहा है ना, ये ट्रिपलेट नहीं बन रहा, लेकिन इसके साथ अगर एक 3 और होता तो फिर तो बात बन जाती ना। आंसर कितना आएगा इस क्वेश्चन का, 3 आएगा। हम लास्ट में लिख देंगे, सो 243 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये भी क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे ना, ट्रिपलेट बन जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा, बस 3 आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। अब देखो सेकंड पार्ट, 256 फैक्टर बनाओ 256 के, 2 से जाएगा 128, फिर 2 से जाएगा 64, फिर 2 से जाएगा 32, फिर 2 से जाएगा 16, फिर 2 से जाएगा आपका 8, 2 से जाएगा 4, 2 से जाएगा 2। तो 256 में 2 कितनी बार आ गया, देखो 8 बार आ गया है ना, गिन लो आप, 8 बार है ये आपका कितनी बार आ गया, 2, 8 बार आ गया, ये मैंने 8 बार लिख दिया। अब देखो पेयर इसके ट्रिपलेट बनाओ, ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी बन गया, ये नहीं बना, एक 2 अगर मेरे पास और हो जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ गया फिर हमारा, 2 आ गया, ठीक है। लास्ट में लिख दो, सो 256 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए, ये इस क्वेश्चन का हमारा क्या आंसर है। अब देख लो थर्ड पार्ट, 72, ये तो बिल्कुल छोटा सा नंबर आ गया 72। तो 72 में बताओ आप क्या करें, इसको डिवाइड करो, 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से करोगे 18, फिर 2 से करोगे 9, 3 से करोगे कितना आ गया आपका 3। तो यानी कि 72 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 और 3 × 3। अब देखो इसमें इसका तो ट्रिपलेट बन गया, ये नहीं है, अगर एक 3 और होता तो बात बन जाती। सो आंसर कितना आएगा, 3। आपको लास्ट में ये लाइन हर क्वेश्चन में लिखनी है, सो 72 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय 3। मैं लिख के नहीं दिखा रहा, ठीक है, बस आंसर आ गया अपना कितना इस क्वेश्चन का, 3। अब देख लो फोर्थ पार्ट, 675 फैक्टर बनाए 675 के, 5 से डिवाइड कर दो, 5 1 जा और 5 3 जा और 5 5 जा, फिर 5 से करो 27, फिर 3 से करोगे, 3 से करोगे, ये आपका आ गया 675। देखो जो तीन तीन पेयर में है ना, इसमें ट्रिपलेट में, उनको पहले लिख दिया करो, ठीक है, एक ही बात है, वैसे कुछ भी लिख दो, लेकिन जिसका ट्रिपलेट बन रहा है वो क्या लिख दो आप, पहले लिख दो, आपको पता ही लग जाएगा ये ट्रिपलेट बन गया, ये नहीं है, किसकी कमी है बताओ, एक 5 की कमी है। तो आंसर कितना आएगा आपका, 5 आ जाएगा, ठीक है, बस ये हो गया। अब देखो इसका लास्ट पार्ट, 100 100 तो आसान है डिवाइड करना, 2 से डिवाइड करोगे 50, फिर 2 से डिवाइड करोगे 25, और फिर 5 से करोगे तो कितना आएगा 5। तो यानी कि 100 को आप लिख सकते हो 2 × 2 और 5 × 5। अब देखो ये नया क्वेश्चन है, इसमें जो है ना ना तो ये ट्रिपलेट है और ना ही ये ट्रिपलेट है, आंसर पता है कितना आएगा। आप कहोगे सर अगर इसको परफेक्ट क्यूब बनाना है ना तो एक तो 2 और लेके आने पड़ेगा अपने को, क्योंकि 2 आएगा तभी तो ट्रिपल बनेगा ये, और एक 5 भी तो चाहिए अपने को, है ना। तो 2 × 5 आंसर कितना आएगा अपना, 10 आएगा, ठीक है। यानी कि इस 100 को अपने को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वो बनेगा 1000, और 1000 सबको पता है कि 10 का क्यूब होता है, यानी कि 1000 क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है, इट इज ए परफेक्ट क्यूब। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 100 को अपने को कम से कम 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या आएगा, वही
आपको सब कुछ सेम काम करना है, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, लेकिन अब की बार मल्टीप्लाई की जगह क्या करना है, डिवाइड। और डिवाइड वाला तो और भी आसान होता है। डिवाइड में सिर्फ आपको क्या करना होता है, एक चीज़ लिख लो बस, जो फैक्टर एक्स्ट्रा होता है, जो फैक्टर एक्स्ट्रा होता है, एक्स्ट्रा का मतलब जो ट्रिपलेट में नहीं आता, जो ट्रिपलेट नहीं बनाता है ना, ट्रिपलेट से बाहर आ गया वो एक्स्ट्रा होता है, उसी से डिवाइड करना है। तो बस आपको फैक्टर बनाने हैं, जो जो फैक्टर ट्रिपलेट में आ गए उनको छोड़ देना, जो नहीं आए उन सब से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। देखो जैसे फर्स्ट पार्ट 81, 81 के फैक्टर बनाओ, 3 पे जाएगा 27, फिर 3 पे जाएगा 9, फिर 3 पे जाएगा 3। तो 81 को हम क्या लिख देंगे, 3 × 3 × 3 × 3। तो देखो ट्रिपलेट में कौन आ गया, ये तो आ गया, ये अकेला बच गया, ये क्या बच गया, अकेला, यानी कि ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा। सो आंसर कितना आएगा अपना, 3 आएगा, यानी कि जो भी एक्स्ट्रा बच गया ना वही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। क्योंकि अपने को डिवाइड करना है, डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, बाहर निकालना, इस 3 को बाहर निकाल दो, जो ट्रिपलेट नहीं बना रहा वो फालतू है, फालतू को क्या करते हैं हम, बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, सेकेंड पार्ट देखो 128। अब मैं फैक्टर बना के नहीं दिखा रहा आपको बार बार से, मैं आपको सीधा ही लिख रहा हूँ। 128 जो है ना, दो कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा इसमें, आप बना के देख लेना, ये 7 बार आएगा, आपको बना के दिखाने हैं। ठीक है, इस तरह से 128 को 2 से डिवाइड करोगे, 64, ऐसे करते रहना। अब ये ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट है, ये एक्स्ट्रा है, तो आंसर कितना आएगा अपना, 2। जो भी एक्स्ट्रा हो जाएगा वो ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा बस। अब देखो थर्ड पार्ट 135, 135 के फैक्टर बनाओ, 3 पे करो इसको 45, फिर 3 पे करो 15, फिर 3 पे करो कितना आ गया आपका, 5। तो यानी कि 135 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3 × 5। अब आप मेरे को बता दो एक्स्ट्रा क्या है, कोई भी बच्चा बता देगा कि सर ये 5 क्या है आपका, एक्स्ट्रा है क्योंकि ये ट्रिपलेट नहीं बना रहा, तो आंसर कितना आएगा अपना, 5। जो एक्स्ट्रा हो वही आंसर आएगा, ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है। फोर्थ पार्ट देखो 192, 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा और 2 6 जा, फिर 2 से करो 48, फिर 2 से करो 24, फिर 2 से करोगे 12 आएगा, फिर 2 से करोगे आपका कितना आएगा, 6, फिर 2 से करोगे तो कितना आएगा आपका, 3, बस 3 एक्स्ट्रा बच गया। तो 192 को हम क्या लिख देंगे, 2 × 2 × 2, और 2 तो कितनी बार है, 6 बार है ही, और ये कितना बच गया आपका, 3 बच गया। तो देखो ये ट्रिपलेट बन गया, ये ट्रिपलेट बन गया, ये एक्स्ट्रा है, ये क्या है, एक्स्ट्रा। और डिवाइड वाले क्वेश्चंस में हमें एक्स्ट्रा ही तो देखना होता है, तो आंसर कितना आ गया अपना, 3 आ गया बस। अब देखो लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का 704, देखते हैं इसमें क्या एक्स्ट्रा बचेगा। 2 से डिवाइड करो, 35 टू जा 70, और ये 2 पे चला गया, 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा और 2 7 जा और 2 6 जा, फिर 2 पे करोगे 2 8 जा, 2 8 जा, और फिर 2 पे करोगे 44, फिर 2 से करोगे 22, फिर 2 से करोगे 11, 11 आगे भाग नहीं होएगा क्योंकि प्राइम नंबर है 11। तो 2 कितनी बार आ गया, देखो 2 तो 6 टाइम्स आ गया है ना, 2 तो हमारा 6 बार आ गया, मतलब ये तो ट्रिपलेट बना देगा, लेकिन ये 11 जो है ना ये बेचारा एक्स्ट्रा रह गया, ये ट्रिपलेट बन गया, ये भी बन गया, ये 11 क्या रह गया बताओ, एक्स्ट्रा। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फिर, 11 आ जाएगा। ठीक है, ये थे आपके पहले 3 क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है लेकिन आसान सा क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है परीक्षित एक लड़का है, या ये परीक्षित लड़का है और ये एक क्यूबॉइड है, इसके पास एक क्यूबॉइड है ऑफ प्लास्टिसाइन। ये पहले तो आप ये समझ लो प्लास्टिसाइन क्या होता है, जैसे आपने बचपन में ये क्ले देखी होगी, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉडलिंग क्ले बोलते हैं, है ना, जो कलरफुल क्ले होती है, मिट्टी होती है, पहले छोटे बच्चे मिट्टी से खेलते थे, अब यही जो ना पैसे के मिलने लगी तो इसको क्ले बोलने लगे। ये क्ले होती है, आपको पता है, आप अलग अलग शेप्स भी आपको साथ में मिलती है, इन शेप्स के अंदर आप क्ले भर के और अलग अलग से क्या बनाते हो, आप डिजाइन बनाते हो। ठीक है, बच्चे खुश होते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, प्लास्टिसाइन बोलते हैं, प्लास्टिसाइन। तो आपके पास क्या है, इस तरह की एक क्यूबॉइड है जिसकी साइड है 5 2 और 5, आपने एक मिट्टी यानी कि क्ले से आपने एक क्यूबॉइड बना दिया जिसकी लेंथ, ये क्या होती है, मान लो लेंथ है, ये क्या है ब्रेथ है, और ये क्या है हाइट है। फिर कहता है हाउ मैनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म ए क्यूब। लेकिन देखो इस बच्चे ने मिट्टी से ना क्या बना दिया, क्यूबॉइड बना दिया,
इसकी सिस्टर ने कहा कि है ना, मेरे को ये अच्छा नहीं लग रहा क्यूबॉइड, आप इसका क्यूब बना के दिखाओ। तो आपको पहले तो ये सोचना है कि क्या आप इसका क्यूब बना सकते हो। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। इसकी पहले आप वॉल्यूम निकालो, क्यूबॉइड की कितनी होगी, क्या होगी वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको सबको पता है, LBH होता है, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो कितनी आ गई 50, ये आ गई 50 सेंटीमीटर क्यूब। और 50 जो नंबर है ना, वो आपको पता है परफेक्ट क्यूब नहीं होता, 50 परफेक्ट क्यूब नहीं होता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को क्यूब बनाना है। क्यूब का मतलब जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है ना, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होती है वो क्या होती है आपकी, ए इंटू ए इंटू ए, यानी कि जितनी भी उसकी साइड होगी उसको 3 बार क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। लेकिन 50 तो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो 50 के हम कहाँ से टुकड़े बनाएंगे, कि जैसे 5 × 5 × 5 नहीं बन सकते ना। तो इसलिए हमारे को ऐसे ऐसे काफ़ी और क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी। एक क्यूबॉइड की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है, 50। अच्छा, अगर मैं ऐसे ऐसे आपको 2 क्यूबॉइड दे दूँ, उसकी सिस्टर कहती है ये लो एक और ले लो, तो आप कहोगे मेरे पास कितनी हो जाएगी वॉल्यूम, 100। लेकिन 100 भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता। आपकी सिस्टर कहेगी चलो एक और ले लो, तो 150, 150 भी नहीं होता परफेक्ट क्यूब। तो हमें अब ये देखना है कि ये परफेक्ट क्यूब कब होगा, यानी कि अब ये क्वेश्चन बन गया। अब आपका क्वेश्चन पता है सिर्फ इतना सा बन गया, पाई विच स्मॉलेस्ट नंबर, अब मैं ये लिख रहा हूँ, पाई विच स्मॉलेस्ट नंबर 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड, 50 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब, इट बिकम्स ए परफेक्ट क्यूब। यानी कि ऐसे ऐसे आपको कितने क्यूबॉइड की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ऐसे जो एक की वॉल्यूम 50 है, तो आपको एक क्यूबॉइड की 2, 3, 4, 5, 20, 50, ऐसे कितने क्यूबॉइड की आपको कम से कम जरूरत पड़ेगी कि आप उससे एक क्यूब बना सको। ठीक है, तो फिर इसका तरीका क्या होता है बताओ, फैक्टर बनाते हैं आप 50 के, 5 पे जाएगा आपका 10, फिर 5 पे जाएगा 2, यानी कि 50 को हमने क्या लिख दिया, 5 × 5 × 2 लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्यूब बनाना है, तो ये भी ट्रिपलेट में होना चाहिए और ये भी ट्रिपलेट में होना चाहिए। तो आप मेरे को बताओ आपको कितने 5 और चाहिए, 1 5 और चाहिए, क्योंकि 2 तो है आपके पास। अच्छा, 2 कितने चाहिए, आप कहोगे सर 2 हमारे पास 3 होने चाहिए, लेकिन आपके पास तो अभी सिर्फ कितना है, 1 ही है, तो यानी कि 2 बार आपको और चाहिए। तो ये कितना आ गया, 5 × 2 = 10, 10 × 2 = 20। तो कहने का मतलब आपको ऐसे ऐसे 20 क्यूबॉइड चाहिए, तब आप जाके इससे क्या बना पाओगे, एक क्यूब बना पाओगे। ठीक है, तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 7.1। मैंने 3 लेक्चर के अंदर बिल्कुल एक एक चीज आपको डिटेल में बता दी है। अब आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अगर इस एक्सरसाइज से रिलेटेड आएगा ना, तो आपका गलत नहीं होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।